ओगेज मालिक, सो गुड मॉर्निंग मालिक। अरे गुड मॉर्निंग। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड। तो आशा करते हैं कि आप तोड़ कर रहे होंगे। तो भारत माता की जय। आज अपन आज ऑनलाइन पंडित लोग अपन ऐप पे इसलिए नहीं गए क्योंकि ऐप का कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ और कुछ कुछ जनों को सीरियल की नहीं मिली, वापस कन्फ्यूजन है। तो आज वो सुबह के इसमें ये प्रोसेस करवा देंगे। वंस दैट इज डन उसके बाद उस पर शिफ्ट हो जाएगा मालिक। मैं खुद वेट कर रहा हूँ कब उस पर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि मैं इसमें ये वाला फॉर्मेट ठीक है, होता है जब जब होता है भाई। तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों और दोस्तियों, मेरे पंटर और पंटरियों, होपफुली आपका कल का दिन अच्छा गया होगा और आशा करता हूँ कि आज का दिन और तोड़ जाएगा। तो मालिक, आज आप कुछ तोड़ कांड करने वाले हैं। ओके, किस कंटेक्स्ट में बात करूँ तो कॉन्सेप्ट के कंटेक्स्ट में। आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा, मैं आपको पहले बता दूं, ओके, आपको थोड़ा सा पेशेंस लेवल अच्छे से रखना होगा, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट समझते समझते, ओके, इट वुड टेक ए टाइम, बिकॉज अगेन देर इज नो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विथ यू। यू आर नॉट अवेयर अबाउट हाउ इंडस्ट्री वर्क्स, यू आर नॉट अवेयर अबाउट हाउ द थिंग्स वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, और वो समझा के ही अपन आगे बढ़ेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे मेरा प्रिंसिपल या मेरा लॉजिक ऐसे जाता है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तब तक काम नहीं। तो कॉन्सेप्ट पहले सबसे अच्छे से समझ लो, शिद्दत से समझ लो, और सारी चीजें उसको उस वे से इनहेरिट करो। इनहेरिटेंस ले लो, सिस्टम में डाल दो तुम्हारे, और आराम से झिप जाएगा। ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी मतलब एक कंटेक्स्ट, ऐसा हो सकता है। थोड़ा सा आपको एक हाथ की वर्ड याद रखने में दिक्कत है, बट इट विल टेक ए डे और टू उसको अडेप्ट करने में। कुछ कुछ कीवर्ड आपके लिए एकदम सरप्राइज वाले एलिमेंट होंगे, अरे ये क्या शब्द आया, ये क्या कॉन्सेप्ट आया। ओके, बट डोंट वरी, इट इज ए टू टू लेक्चर्स ऑड, जिसके अंदर ये सारी चीजें अडेप्टेबिलिटी हो जाएगी, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट और थर्ड वाला पार्ट, ओके, दिस बोथ आर वेरी वेरी लिंक्ड कॉन्सेप्ट। यानी अगर आपको याद होगा चैप्टर टू के चार्ट को रिकॉल करके बताइए, चैप्टर टू में कितने पॉइंट्स है, चार्ट को लेकर, या चार्ट को लेकर, मेन चार्ट को लेकर चार। पहला क्या नाम था, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, सेकेंड इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड, तीसरा मॉड्यूल्स, एंड चौथा रिपोर्टिंग। अगर मैं बात करूं सेकेंड और थर्ड की, ये दोनों लिंक्ड है। आप इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड समझोगे और उसके साथ में ही मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट समझने वाले हो, लेकिन दोनों को सीधे, मतलब दोनों चीजों को अपन ने अलग क्यों किया, या दोनों पॉइंट्स को अलग क्यों किया फिर सर? रीजन सिंपल है, ओके, उसको थोड़ा सा डिवाइड एंड रूल करने के लिए। अगर वो एक ही पार्ट में डाल देते तो शायद वो पोर्शन, शायद नहीं, वो पोर्शन बहुत बड़ा हो जाता और रिकॉल करना बहुत मुश्किल होता। दूसरी चीज, ओके, शायद कॉस्टिंग का, शायद नहीं, कॉस्टिंग का कंटेंट आपको आज और कल में देखने मिलेगा। कॉस्टिंग का कंटेंट, कॉस्टिंग का कंटेंट, यानी कहीं ना कहीं, ओके, दो दिन अपन कॉस्टिंग के, कॉस्टिंग को लेकर अपन डिस्कशन करेंगे, मतलब कॉस्टिंग के कुछ शब्द आएंगे, कॉस्टिंग का पॉइंट आएगा। और सर ऐसा हो सकता है कि कॉस्टिंग का आपको कंटेंट मालूम हो ना हो, डजेंट मैटर, ओके, हियर इधर जो आप पढ़ोगे वो सिस्टम वाइज पढ़ोगे। सिस्टम में कॉस्टिंग का क्या जिक्र है और कॉस्टिंग का किस वे से कंटेंट आ रहा है उसके ऊपर बात होगी मालिक। ओके, तो सबसे पहले एकदम क्लियर कट ये स्ट्रक्चर को समझ लीजिए और एकदम आराम से पहले स्ट्रक्चर को डाल दीजिए। अब ये जो मैं स्क्रीन पे डिस्कस कर रहा हूँ या स्क्रीन पे बना रहा हूँ, एनीवे ये शीट में अपलोड करने वाला हूँ, पर मैं ये भी एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई यार जो जो पर्सन है, मतलब आप है, ओके, आपके पास कुछ क्या बोलते हैं अपना स्टिक नोट्स होगा वो बना दिए, चिपकाना किधर है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये स्टिक नोट्स पे आप कर लेना, मैं जब बताऊंगा तभी, अभी स्टार्टिंग वाला पोर्शन नहीं, जैसे ही मैं बताऊंगा कि क्या करना है, क्या आपको नोट करना है, वो स्टिक नोट्स पे कर लेना। अगर आपके पास नोटबुक पे आप नोट्स बना ही रहे हो तो चीजें अलग ही है, नोट्स बना रहे हो तो आप उस नोट्स में आप अपडेट करते जाइए, लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो और आप टेक्स्ट बुक के थ्रू अपन कर रहे हो वैसे ही अपडेट कर रहे हो, तो स्टिक नोट्स पे लिखना और वो कहां पर चिपकाना है वो मैं लेटर ऑन बताऊंगा। ओके, तो अभी अच्छे से एग्जाम्पल की तरह समझिए, बिकॉज ये एग्जाम्पल ही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसकी बुनियाद ये आज का पूरा लेक्चर, कल का पूरा लेक्चर आपको झेपेगा। ओके, और अगर ये एग्जाम्पल नहीं समझा तो शायद, शायद नहीं, ओके, कंफर्म, शायद की क्या बात करूं, कंफर्म ये लेक्चर, मतलब ये जो लेक्चर है ना उसमें कहीं ना कहीं वर्ड आपके झेपने से बाहर हो जाएंगे। तो सबकी आत्मा इधर, एकदम क्लियर कट विथ रिस्पेक्ट टू एग्जाम्पल। क्या हो गया, वो बंद है तो उसका वो चालू कैसे होता है, रिमोट से ही चालू होगा, देखो एक बार उससे चालू करके देखो, आगे तो देखो प्रोजेक्टर चालू हो रहे क्या, वो बहुत दूर है, अरे आप ही दबा दो उधर से पहुंच जाएगा, वो रिमोट है, हुआ ना, चलो यस पंडर, एसी भी बंद है, बस अभी मेरे ख्याल से ईआईएस निकल रहा है तो मेरे को सर ने बोला होगा ये नया चालू कर काम। हेलो भाई, मतलब ये करने में कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ओके कर भी लेंगे,
कोई वैसा टेंशन नहीं, पर मैं ये बोल रहा हूँ मतलब अभी सही है यार, ऐसा है। अच्छा है, पहले वाला मैं सटकू लाल नहीं हूँ, ऐसा अपने को क्या चाहिए मानोगे? टाइम का, टाइम के फॉर्मेट में सब बैठना चाहिए। ओके, किसी को ऐसा ऐसा मैंने पहले दिन बताया नहीं, सरप्राइज एलिमेंट नहीं कि नहीं, निकल के लेक्चर 7 बजे रहेगा, सबको पहले से अपने को मालूम है 7 बजे रहेगा, सबको ये सिस्टम क्या लगे क्या नहीं मालूम है, अचानक मेरे को बोलते भाई ये ऐसा प्लस माइनस रहेगा, ठीक है। पर होता है अभी सब चीज़ समझनी पड़ती है, एडजस्ट करनी पड़ती है सारी। अब करेंगे भाई, सब रेडी रहना चाहिए, सब सब काम रेडी रहना चाहिए, सब मेरे एग्जाम्पल में रह रहे अभी। ये आत्मा तुम्हारे नेक्स्ट आधे घंटे तक तो नींद आने का सवाल नहीं उठता, नींद आएगी तो आधे घंटे के बाद आएगी, तो आधे घंटे एग्जाम्पल समझ ले अच्छे से। ओके, क्योंकि उसके बाद आधे घंटे और नींद आ गई तो परवट जाएगी तेरे को, तो आधे घंटे की नींद लेनी है। मैं हमेशा झपकी बोलता हूँ, 2-4 मिनट 5 मिनट की, लेकिन अब मैं आधे घंटे की नींद देने को रेडी हूँ तुम्हें, लेकिन आधे घंटे की नींद के लिए आधा घंटा बहुत शिद्दत से पढ़ो, आधा घंटा अच्छे से रहो, क्योंकि इसके बाद आधा घंटा जो पढ़ेंगे वो वापस वही पढ़ेंगे पर थियोरिटिकली में, और अभी जो मैं समझाऊंगा वो प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगा। ओके, सारी आत्मा इधर प्लीज अंडरस्टैंड। और अभी नोट्स मतलब अभी आपको बनाना है, वो जो नोट्स बना रहे बनाइए, पर स्टिक नोट्स में अभी मत लिखना, मैं जब बताऊंगा क्या लिखना है वो समझ लो, वो बाद में मैं बोलूंगा तब लिखना मालिक। ओके, पहले ये समझो, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके 3 डिपार्टमेंट। ओके, ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट कौन से कौन से? ओके, एक अकाउंट्स का डिपार्टमेंट, एक एचआर का डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट। 3 डिपार्टमेंट की कहानी सबके स्क्रीन पे दिख रही है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आराम से सबकी आत्मा इधर। ऑर्गेनाइजेशन है, 3 डिपार्टमेंट है, कौन से कौन से? अकाउंट्स, एचआर, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग, मेरे ख्याल से सबको मालूम होगा। ओके, ये 3 डिपार्टमेंट है, ये 3 डिपार्टमेंट का लॉजिक आ रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा था, ये तीनों नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है। कौन से सिस्टम है बेटा? नॉन इंटीग्रेटेड। सर जब मैं बोल रहा हूं नॉन इंटीग्रेटेड मतलब क्या, मतलब क्या? मतलब ये कि जो प्रोडक्शन के प्रोसेस है वो अपने अपने प्रोसेस चलते हैं, एचआर के जो प्रोसेस है वो अपने अपने प्रोसेस चलते हैं, और अकाउंट्स के जो प्रोसेस है वो अपने अपने चलते हैं। सर इसका मतलब बताइए, इसका मतलब ऐसा है, मेरे को बताओ। ओके, प्रोडक्शन, अभी मैं परचेस वर्चेस में अलग नहीं कर रहा हूं, प्रोडक्शन में ही परचेस समझ रहा हूं। ओके, प्रोडक्शन में ही परचेस समझ रहा हूं, मेरे को बताओ। ओके, तीनों डिपार्टमेंट से परचेज ऑर्डर रेस कौन करेगा? परचेज ऑर्डर रेस कौन करेगा? एज्यूम करो प्रोडक्शन एंड परचेज एक ही है, तो परचेज ऑर्डर रेस कौन करेगा? एवरीबडी क्लियर? ओके, अब अगर ये नॉन इंटीग्रेटेड, ये कौन से सिस्टम है, इंटीग्रेटेड या नॉन इंटीग्रेटेड? नॉन इंटीग्रेटेड, यानी ये तीनों साथ में काम नहीं कर रहे, यानी प्रोडक्शन वाला अपने हिसाब से काम कर रहा है, अकाउंट्स वाला अपने हिसाब से काम कर रहा है, और एचआर वाला अपने हिसाब से काम कर रहा है। ओके, अब मेरे को बताओ, अगर प्रोडक्शन वाला परचेस करेगा, परचेस ऑर्डर रेस करेगा, रॉ मटेरियल्स आएगा, क्या अकाउंट्स वाले को मालूम पड़ेगा? नहीं, दिस इज ए कॉन्सेप्ट। तो सर फिर अकाउंट्स वाला कैसे मालूम करेगा इसमें, इस कॉन्सेप्ट में कैसे करेगा? अगर आपको याद होगा डे 1 का एग्जांपल जो मैंने दिया था, इस केस में क्या करेगा? अकाउंट्स वाला जाएगा किसके पास? जाएगा प्रोडक्शन। क्या प्रोडक्शन? तूने कुछ इन्वेंटरी मंगाई है? क्या प्रोडक्शन? तूने कुछ परचेज ऑर्डर रेस किए? फिर प्रोडक्शन वाला इस महीने के जितने परचेज ऑर्डर हुए बोलेगा ये लो, एक काम करो, ये 10 परचेज ऑर्डर है ये रेस किए। फिर अकाउंट्स वाले के पास कब आएगा? एक महीने में। रियल टाइम में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, एक महीने के बाद, क्योंकि अकाउंट वाला तो रोज नहीं जाते रहेगा ना, और रोज भी जाएगा तो एक दिन के बाद मिल रही है, रियल टाइम में नहीं मिल रही है, और रोज भी जाएगा तो बेवकूफी होगी, इज्जत नहीं होगी भाई, अकाउंट वाला जा रहा है, दे माय ये देना क्या हुआ, ऐसा ऐसा सही रहेगा क्या मालिक? नहीं। तो फ्रीक्वेंसी क्या थी? एक महीने में अकाउंट वाला जाता था, किसके पास जाता था? प्रोडक्शन। बोला भाई दे माई क्या, कितने इनवाइस रेज किए? फिर प्रोडक्शन वाला एक इनवाइस की लिस्ट देता था, कितने इनवाइस थे? 10। ओके, उसके बाद वो 10 की एंट्री वापस कौन करता था? अकाउंट्स। ऐसे काम हो, समझ में आया? नॉन इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड मतलब सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, रियल टाइम नहीं, एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, अब इसमें देखो पॉइंट समझ छोड़ो, क्या क्या सीन हो रहा है। दूसरा, क्या एचआर का भी डेटा अकाउंट्स वाले को चाहिए? एग्जांपल लेते हैं, एचआर वाला कोई डेटा अकाउंट्स वाले को चाहिए? आंसर इज यस। एग्जांपल मेरे को बताओ, सैलरी स्लिप कौन बनाएगा? एचआर, लेकिन पेमेंट कौन करेगा? तो मेरे को बताओ अकाउंट को कैसे मालूम पड़ेगा, कौन बताएगा? एचआर वाला। अब आप समझिएगा छोड़ो, इसमें क्या सिस्टम बनाएगा, बताएगा, या पर्सन एक दूसरे के पास जाएगा और उसको बताएगा भाई ये मेरी सैलरी स्लिप बनी है तू पेमेंट कर दे। ओके, पहला वाला सिनारियो या दूसरा वाला सिनारियो, सिस्टम बनाएगा या ह्यूमन जाके आएगा, भले ही वो ईमेल करे। देखो ईमेल और मैन्युअली में मेरे को डिस्कशन नहीं करना है, मेरा कॉलिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है उनके प्रोसेस कैसे है। मेरे को बताओ क्या सिस्टम अपने आप बताएगा या किसी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा? कम्युनिकेट, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड।
ये प्रोसेस थे, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम मतलब ओके, पुराने कुछ प्रोसेस थे जिसमें, एग्जांपल बोल रहा हूं, प्रोडक्शन तू परचेज ऑर्डर रेज करेगा। अब मेरे को बताओ, क्या परचेज ऑर्डर रेज होते ही क्या प्रोडक्शन से अपने आप अकाउंट्स को मालूम पड़ेगा? नहीं, ऐसा प्रोसेस में नहीं लिखा था, ऐसा प्रोसेस में नहीं लिखा था, दैट्स इट। अब मेरे को बताओ फिर अकाउंट वाले को कैसे मालूम पड़ता था परचेज ऑर्डर रेज हुए? क्या बोला मैंने अभी आपको, वन मंथ पे अकाउंट्स का क्या प्रोसेस है, हर महीने में वो किससे बात करेगा? प्रोडक्शन। वन मंथ के बाद किससे बात करेगा बेटा? प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन को बोलेगा कि मेरे को इन्फॉर्मेशन दे, फिर वो क्या देगा? पूरे महीने की इन्फॉर्मेशन। फिर वो एंट्री कौन करेगा? अकाउंट। फिर वो एंट्री करेगा। झेप रहा है क्या मालिक, ये कौन से सिस्टम में हो रहा है, नॉन इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेटेड? आई डू थिंक यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। ओके, ये पॉइंट पे ये हो रहा था। अब मेरे को बता, सैलरी स्लिप कौन बनाएगा? एचआर। सैलरी स्लिप एचआर बनाएगा। एज्यूम करते हैं एचआर को बोला हुआ है हर महीने की 2 तारीख को, सेकंड को सैलरी बनाने की, सैलरी कैलकुलेशन करने का है, लेकिन पेमेंट 2 तारीख को नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अकाउंट वाले को मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट वाले को पहले एंट्री करनी पड़ेगी, फिर जाके वो पेमेंट करेगा। इसीलिए अब मेरे को बताओ, 2 तारीख को अगर सैलरी बनती होगी, कैलकुलेट होती होगी, तो मेरे को बताओ अकाउंट वाले के इधर सैलरी का कैलकुलेशन का डेटा कब आता होगा? कब आता होगा? एग्जाम्पल, ओके, कोई भी एग्जाम्पल लो ना, आप बताओ ना, 2 तारीख को बनती होगी तो सैलरी का डेटा कब आता होगा? 3, 4, 5, 6, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, ये प्रोसेस में लिखा होगा। ओके, ये बोला होगा अकाउंट्स, एक काम कर, 10 का हर महीने का 10 से 10 तारीख को डेटा ले। किससे डेटा ले? एचआर। और फिर जाके एचआर के पास जाता था, दे माय एचआर, मेरे को दे। फिर एचआर इंफॉर्मेशन देता था, और किसके पास जाता था वो? अकाउंट। फिर अकाउंट क्या करता था? वापस एंट्री करता था मालिक, और एंट्री करने के बाद फिर सैलरी प्रोसेस होती थी। ये कॉन्सेप्ट है कौन से सिस्टम के? ये जो मैंने स्क्रीन में बताया वो कौन सा सिस्टम है बेटा, इंटीग्रेटेड या नॉन इंटीग्रेटेड? नॉन इंटीग्रेटेड। डिड आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? ये नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है सर। इसमें 2 दिक्कतें आती है सर। 2 दिक्कतें क्या आती है, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला मेरे को बताओ, ओके, परचेज ऑर्डर रेस किए, ये किसने किसको बताना चाहिए था? प्रोडक्शन ने अकाउंट। क्या इससे मिस हो सकता है? यस, चांसेस है। अब मेरे को बताओ, महीने का पूरा परचेज ऑर्डर का लिस्ट मैंने इधर रखा हुआ है, लेकिन डोंट यू थिंक थोड़ा सा अपने ऊपर भी दे, अरे आपने प्रैक्टिकली देख लीजिए भाई। ओके, 7 बजे का बैच रहा तो भी मिस होने की संभावना, सेम लॉजिक यार, परचेज ऑर्डर है यार, मिस हो जाता, ह्यूमन पॉइंट है यार, ह्यूमन टेंडेंसी है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई विल ऑलवेज फोकसिंग ऑन। मतलब ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अरे मिस हो गया, उसे 10 परचेज ऑर्डर बने थे, उसने खाली 9 दिए, यानी पहला प्रॉब्लम क्या आया? कम्युनिकेशन गैप। क्या आया बेटा? कम्युनिकेशन गैप। क्या एग्जैक्ट डेटा मिला या डेटा में प्लस माइनस हो सकता है? अरे भाई समझ में आ रहा मालिक, तो कम्युनिकेशन गैप हुआ, और उसकी वजह से दूसरा पॉइंट हुआ डेटा मिसमैच। क्या हुआ बेटा? डेटा मिसमैच। आत्माओं इधर है ना, जाओ मत सारे इधर, क्योंकि मैं वापस बोल रहा हूं, ये आपके रियलिस्टिक अप्रोच में नहीं है। और मतलब जेन्युइनली मैं तुम्हारे बड़े भाई के हिसाब से बात कर रहा हूं, ओके, मैं लिटरली बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट आपको एक बार झेप गया माँ कसम तोड़े, और ये रियलिस्टिक अप्रोच है। अगर कोई मुझे पूछेगा तेरी पूरी जिंदगी में और क्या काम आएगा अगर रियल लाइफ में जाने के बाद, भाई यही आज के डेट में काम आ रहा है सिस्टम्स। अगर तू बोलेगा चैप्टर 2 में से क्या है, चैप्टर 2 एक ऐसा रियलिस्टिक चैप्टर है जो सीए होने के बाद, आईटी छोड़ दे, आईटी का कोई लेना देना नहीं मेरे को, टेक्नोलॉजी का कोई लेना देना नहीं, वापस मैं बता रहा हूं, D1 पे भी क्लियर किया और 2-3 बार मैं और बोल चुका हूं, अपन को कोडिंग का कोई कंसर्न नहीं, पर अपने को सिस्टम से मतलब है। और ये चीज बहुत शिद्दत से समझो, ओके, वापस मैं क्लियर कर रहा हूं सर, ये सिस्टम कौन से थे? नॉन इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड मतलब क्या था? नॉन इंटीग्रेटेड मतलब तीनों सिस्टम, तीनों डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम कर रहे थे या सिंक्रोनाइज में काम कर रहे थे? अपने हिसाब से, यानी तीनों के प्रोसेस अलग अलग थे या एक ही थे? अलग अलग थे। डिड यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ओके, इससे दिक्कत क्या आ रही थी? 2 चीज, पहला कम्युनिकेशन गैप और दूसरा डेटा मिसमैच का। और एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, समझ में हो, ये एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुका हूं, सबकी आत्मा इधर। मेरे को बताओ परचेज ऑर्डर किसने बनाए थे? ओके, एग्जांपल, ये परचेज ऑर्डर बनाए थे 10,000 का, ओके, उसने ये परचेज ऑर्डर की रिसीट किसको दी? अब अकाउंट के जब ये आया, कितने की आया था परचेज ऑर्डर, कितने का था? चाय पी रहा था, एंटर करते वक्त, समझ में आ रहा है? डेटा मिसमैच, यानी एक्चुअल परचेज ऑर्डर का, अरे री एंट्री हो रही है भाई, ओके, री एंट्री में एरर होने के चांसेस है, एंड डोंट टेल मी सर एरर ऐसा कैसे हुआ, अरे ऐसे ही ह्यूमन एरर होता है, इसलिए तो तुम सॉफ्टवेयर की मदद ले रहे हो यार। अपन क्यों सॉफ्टवेयर को बोलते हैं एक्यूरेट है, कारण क्या है? ये एरर निकल जाते हैं, ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। मेरे ख्याल से ये पॉइंट पक्का समझो, पहला पॉइंट, ओके, अब दूसरा और एक इसके साथ में और एक चीज झेपो। अब मेरे को बताओ तीनों डिपार्टमेंट अलग अलग या एक साथ में? पक्का? तो तीनों डिपार्टमेंट का डेटाबेस, वो 3 अलग अलग होंगे या एक कॉमन होगा?
अलग अलग होंगे, यानी इसका लॉजिकली देखो, ये डेटाबेस इधर होगा, ये डेटाबेस इधर होगा, ये डेटाबेस इधर होगा, जो पिंक कलर किया हुआ मैंने वो डेटाबेस है। तीन अलग अलग डेटाबेस है, तीन अलग अलग डेटाबेस है, तीन अलग अलग डेटाबेस है। जिब्रा ना मालिक, डेटाबेस मतलब सर क्या? ओके, यानी मेरे को बताओ परचेज ऑर्डर स्टोर किधर किया जाएगा, कौन से डेटाबेस में? सेंटर में या वो साइड वाला जो पिंक कलर किया हुआ है? पिंक कलर, वो कौन सा वाला पिंक कलर? एचआर का, फिर वो सॉरी प्रोडक्शन का। अब मेरे को बताओ फिर वो लेगा कौन? अकाउंट्स, अकाउंट्स लेगा, फिर उसके अंदर स्टोर होगा, वो कुछ और डेटा होगा। ओके, डोंट यू थिंक परचेज ऑर्डर वापस रिस्टोर करेगा कौन? अकाउंट्स। मेरे को बताओ डोंट यू थिंक स्टोरेज कॉस्ट भी बढ़ेगी? डोंट यू थिंक डुप्लीकेशन ऑफ डेटा हो रहा है? ये सब प्रॉब्लम थे जो आपके बुक में सिर्फ दो ही प्रॉब्लम लिखे, लेकिन 1760 प्रॉब्लम थे। ईगो का प्रॉब्लम आता है रे, ईगो का प्रॉब्लम तो सबसे बड़ा है, जो मैं तुमको बोला, मैंने भले ही जोकिंग ही बोला लेकिन मां कसम बोल रहा हूं तुमको शिद्दत से ये प्रॉब्लम मिलेगी, देवमाई वाली प्रॉब्लम। मेरे को बताओ किसको इन्फॉर्मेशन किसको चाहिए, अकाउंट्स को या प्रोडक्शन को? लेकिन मतलब कौन कौन मांगने जा रहा है, किसका हवा हो रहा है? तो अपनी ईगो वो रखेगा, ओके, अपने हिसाब से टाइम देगा। ओके, एग्जांपल तू आया है मांगने के लिए, अकाउंट्स वाला, तू अकाउंट्स वाला है, तू बोल रहा है परचेज ऑर्डर दे, अरे यार आज का प्रोडक्शन का काम है, यार आज का काम है। एग्जांपल तू ले, इमेजिन करना तू मुझसे मांगने आया, मैं प्रोडक्शन वाला हूं और अब मैं प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा हूं, अब मैं तुझे बोलूंगा जाने देना है, कल आना यार, आज देखना यार, बिजी है यार, काम धंधे है मेरे को, पुकड़ नहीं बैठा मैं तेरे लिए। ओके, तू बोले फिर कुछ भी डिबेट कर, डजंट मैटर, मेरे लिए ऐसा ही सिनेरियो होगा। तो इन शॉर्ट मेरे को बताओ, इन्फॉर्मेशन भी टाइम पे मिलेगा या डिले होगा? सब प्रॉब्लम है यार। ओके, ये पॉइंट समझिए। ओके, इसीलिए इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कौन सा सिस्टम आया? ओके, इंटीग्रेटेड। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, इंटीग्रेटेड सिस्टम मतलब क्या? ओके, जो तीन पिंक कलर थे वो हमने क्या कर दिया, एक। ओके, एक क्वेश्चन आया, डेटाबेस मींस, डेटाबेस मतलब परचेज ऑर्डर स्टोर करना, आपका डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव, ये डेटाबेस हुआ, एक फोल्डर हुआ। एग्जांपल आपने जो एडमिशन लिया हुआ, एक एक्सेल शीट है मेरे पास, वो डेटाबेस है। ओके, आप डेटाबेस में क्या क्या होगा मेरे को बताओ? एक्सेल शीट होगी एक, जिसके अंदर नाम होगा, एड्रेस होगा, टेलीफोन नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, आपने फीस कितनी भरी हुई है, वो डेटा। ये क्या हुआ? डेटाबेस। आपका एक नाम क्या हुआ? डेटा। टेलीफोन नंबर क्या हुआ? डेटा। ये सब कंपाइल करके क्या बना? डेटाबेस। Is that point clear? Okay, expert का फाइल एक होगा, expert का एक एक्सेल शीट होगा, V-Smart का एक एक्सेल शीट होगा, AT का एक एक्सेल शीट होगा, okay, दूसरे और जगह का एक्सेल शीट होगा, okay, आपको ये सब कंपाइल करके क्या बना? डेटाबेस। डेटाबेस जिसके अंदर डेटा रहता है, तो डेटाबेस। अब मेरे को बता, परचेज ऑर्डर क्या हुआ? डेटा। लेकिन 10 परचेज ऑर्डर मिलकर क्या बना? डेटाबेस। तो डेटाबेस किधर स्टोर होगा? मेरे ख्याल से जीपा डेटाबेस। अरे हाँ या ना। अब क्या सीन होगा, इंटीग्रेट में क्या करेंगे? ये जो पिंक कलर का कॉन्सेप्ट है वो हम सेंटर में कर देंगे, समझने को हो रहा है एग्जांपल को? ओके, और हम तीन डिपार्टमेंट बनाएंगे, तीन डिपार्टमेंट के नाम बताइए, अकाउंट्स, एचआर और प्रोडक्शन। सबकी आत्मा मेरे साथ ना। अब मेरे को बताओ पीओ कौन बनाएगा? प्रोडक्शन। लेकिन पीओ जब बनाएगा वो प्रोडक्शन के डेटाबेस में अपडेट नहीं होगा, वो किधर अपडेट होगा? सेंटर, जिसमें कोई भी डेटा एक्सेस कर पाएगा। अगर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात करें, जो पहला वाला पिक्चर आपको दिख रहा है, मेरे को बताओ जो पिंक कलर वाला है, जो एचआर का डेटाबेस है, उसको एक्सेस कौन कर पा रहा है? एचआर। अकाउंट्स कर पा रहा है क्या? नहीं, इसलिए तो अकाउंट्स को DMI करना पड़ रहा है। एचआर का पॉइंट है, झेपने की कोशिश करो। ओके, अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, इंटीग्रेटेड में क्या हो रहा है? मेरे ख्याल से मालिक इंटीग्रेटेड में समझने की कोशिश करो। मेरे को बताओ पीओ किधर अपडेट होगा? सेंटर में या एचआर के पास? यानी इधर डेटाबेस तीन अलग अलग है या कॉमन है? पहले वाले में अलग अलग डेटाबेस थे, अगर मेरे 10 डिपार्टमेंट है तो डेटाबेस कितने होते थे? 10। अब मेरे को बताओ आप कैसे होंगे? एक। इसीलिए तो नाम इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड, समझा? इसको तुम्हारे कॉस्टिंग वाला इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड से मिक्स मत करना, उधर इंटीग्रल अकाउंट नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट वो मिक्स मत करना भाई, वो तुमने रिसेंटली पढ़ा है। हाँ, मेरे को मालूम था क्योंकि ग्रुप पे तो देख ही रहा था मैं, कल लेक्चर है तो मालूम पड़ रहा था ना, कल लेक्चर वाले पॉइंट पे। ओके, जिसने जिसने पढ़ा, नहीं जिसने नहीं पढ़ा छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना जरूरी थोड़ना है। ओके, बिना पढ़े भी अपने को सब याद आता, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटेड, अपना डेटाबेस भी इंटीग्रेटेड है, कुछ ना कुछ करके तो याद आ ही जाएगा। पर वो अकाउंट्स और ये पॉइंट को मिक्स मत करो, इधर इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट अलग है, समझ में आ रहा है? तो मेरा पहला पॉइंट, नॉन इंटीग्रेटेड में डेटाबेस कैसे है, अलग अलग या कॉमन? इंटीग्रेटेड में कॉमन। अब कॉमन में मतलब क्या, समझना शुरू हो। एक एग्जाम्पल तुमको झेपा, परचेज ऑर्डर अपडेट होगा किधर अपडेट होगा, एचआर के डेटाबेस में या सेंटर में? मेरे को बताओ एचआर की सैलरी स्लिप कौन बनाएगा? एचआर की सैलरी स्लिप कौन बनाएगा? एचआर। अपडेट किधर होगा? झेप रहा है मालिक। ओके, अब मेरे को बताओ अकाउंट्स को क्या DMI करने की जरूरत है, वो किधर जाएगा? सेंटर में। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन डेटाबेस, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम।
इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड का सबसे पहला डिफरेंस बताओ। एक में डेटाबेस कैसा है? कॉमन। एक में डेटाबेस कैसा है? अलग अलग है। तो नॉन इंटीग्रेटेड में डेटाबेस अलग अलग है, सेपरेट डेटाबेस फॉर सेपरेट डिपार्टमेंट। इंटीग्रेटेड में कॉमन डेटाबेस फॉर ऑल डिपार्टमेंट। इज दैट पॉइंट क्लियर? अरे हाय अना, ओके एवरीबॉडी क्लियर? दिव्यानी सर आप ऐप पे नहीं, स्ट्रीम नहीं हो रहे हो क्या? नहीं हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रहा है, पर वो कॉन्फिगर नहीं हुआ है। ओके मैंने टीम को बोल के रखा है वो आज करेगी, वो नहीं करी तो मैं खुद ही स्ट्रीम हो जाऊंगा उसके अंदर कल, मतलब मैं खुद खुद घुस जाऊंगा उसके अंदर, ऐप के अंदर। ऐसा होता है, आज इधर देख लीजिए मालिक गलती से, सॉरी मैडम, मतलब मैडम ये वाला सीन होता है भाई, गलती क्या करे, होता है एक हाथ देना। कॉमन डेटाबेस या अलग डेटाबेस, ये एक तो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठा, पर इसकी है ना मेन क्रक्स की कहानी। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, ओके मैंने आधा घंटा मांगा था, एक 8-10 मिनट का कॉन्सेप्ट खत्म किया मैंने अभी, नेक्स्ट सेशन का 8-10 मिनट का, उसके बाद लास्ट सेशन, फिर उसके बाद तुम निर्वाणा ले सकते हो, पर निर्वाणा पूरे 2 घंटे का नहीं, समझा ना? हाँ, एक आधे घंटे का, जब तक ये मैं उसको वापस उसी कॉन्सेप्ट में रीरन करूंगा तब। ओके सारी आत्मा इधर, हाँ प्लीज अंडरस्टैंड सर। एक ये बोल रहा है कि सर क्या इंटीग्रेट सिस्टम में हम लोग एक्सेस के रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? वो अपने ऊपर है, किसको कितना एक्सेस देना, किसको कितना एक्सेस नहीं देना, वो किसका कॉल रहेगा? ऑर्गेनाइजेशन का। हम लोग डेटाबेस मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। ओके अब मेरे को बताओ, क्या एचआर को परचेज ऑर्डर देखने की जरूरत है? नहीं, तो एचआर को नहीं दिखेगा। ओके ड्राइव पे एक्सेस लगाने के लिए पासवर्ड लगाते हो ना, और तुम तो बोलो ही मत साले, तुम्हारे व्हाट्सएप पे भी पासवर्ड होगा। ओके नहीं, क्या नहीं होगा भाई, मैं बता रहा हूं नहीं है, व्हाट्सएप पे होगा, किसी और मतलब फोटो वोटो वीडियो पासवर्ड होंगे, प्रोटेक्टेड होगा। किसी ने फोन लिया तो तुम्हारा पहले धड़कन वो उधर तो नहीं जा रहा है, क्या किया? ओके मेरे को बता, पूरे मोबाइल में 10 डेटा था लेकिन तुमने रेस्ट्रिक्शन किस पे डाला? एक पे। ओके दैट इज नथिंग बट एक्सेस, जैसे रेस्ट्रिक्ट करना वो आपका चॉइस है। तो मेरे को बता, परचेज ऑर्डर किसने बनाया? प्रोडक्शन। दिखना किसको चाहिए? अकाउंट्स। एचआर को दिखना चाहिए। तो अकाउंट्स वाला जो बंदा आएगा, जब वो कॉमन डेटाबेस को एक्सेस करेगा, क्या उसको पीओ दिखेगा? यस। अरे क्या नहीं, क्या मैडम, मैडम नहीं बोल रही है, अरे ऐसा नहीं, नहीं ऐसा ऐसा नहीं करने का हमेशा ऐसा ऐसा। ओके अकाउंट्स वाला, अकाउंट्स वाला सबसे बड़ा बड़ा गड़बड़ ये होता है। ओके सबसे बड़ा गड़बड़ ये होता है कि साला अचानक कुछ ऐसे ऐसे ही तुम हवा में रहते हो, तुम कुछ भी बोलते रहते हो, हाँ ना मतलब वो ऐसे आजू बाजू वालों को देख के करते हो, मतलब ना तुम्हारा आगे पीछे वाला क्या कर रहा है, ना कर रहा है, ठीक है ना, हाँ तुमको क्या लेना देना भाई, सर इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड मेरा क्या जा रहा है? ओके तुम्हारा ये पॉइंट रहता है कि तुम आगे पीछे, और उसी टाइम पे मेरी नजर, और उसी टाइम में नूला, समझा? ये इसका पॉइंट क्या? और वन ऑफ द बेस्ट ऐसा होता है, जब वो कोई क्लास में गलती से डब्बा खोलता है और डब्बे से वेफर निकालता है और वेफर डालता है, और उसी टाइम पे और अगर बाय चांस क्वेश्चन पूछा भी तो वेफर है ना, तो समझ रहे हो? ओके तो नेवरलेस जो मैं आपको बता रहा था, एक्सेस रेस्ट्रिक्शन होते हैं तो वो कौन रखेगा? ऑर्गेनाइजेशन। उसका डिस्कशन अभी नहीं करते हैं, पहले अपन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट लेके जा रहा हूं, पहला कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, इंटीग्रेट नॉन इंटीग्रेट। ए नींद क्या ले रहा भाई तू, रे आखिरी क्या कर रहे है, इतना पका हुआ क्या? मैं ऐसा मत कर रहे, मेरी बीवी को मालूम है मैं पका हुआ है, तू भी ऐसा करेगा तो कैसा फील आएगा मेरी जिंदगी में? चला इधर इधर, वो बोलते कौन सा कैसा मानुष मिला मला, ऐसे इधर ये ऐसा वो पेड़ देख उधर जा बाहर हाथ रख, धूप आएगा ऐसा, धूप रिचार्ज होगा तू, इधर चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा मैं। नहीं यार, नींद आने के लिए भी कुछ कैटेगरी होनी चाहिए ऐसा। तो मेरा पॉइंट दूसरा पॉइंट पे आ रहा है, सबकी आत्मा इधर। सबसे पहला पॉइंट स्क्रीन पे जो दिख गया वो आपको आया कॉमन डेटाबेस और इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड। अब पॉइंट ये आया, कभी भी हम लोग पहली बार जिंदगी में चालू करते हैं ना काम, कभी भी
स्टार्ट कोई भी बिजनेस मैक्सिमम टाइम, मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम टाइम हम लोग नॉन इंटीग्रेटेड से चालू करते हैं, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड रहता है, पहली बार बिजनेस चालू होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, परचेज के प्रोसेस अलग होंगे, अकाउंट्स के प्रोसेस अलग होंगे, एचआर के प्रोसेस अलग होंगे। धीरे धीरे जैसे वॉल्यूम बिजनेस का बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो तीनों चीज में सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम आती है। कौन सी प्रॉब्लम? दो प्रॉब्लम जो स्क्रीन पे लिखी हुई है, कौन सी? कम्युनिकेशन गैप और डेटा मिसमैच। ये कब होगा? जब वॉल्यूम बढ़ेगा। मेरे को बताओ ना, अगर मेरे 10 ही ट्रांजेक्शन होते हैं महीने के, अब मेरे को बताओ काय का कम्युनिकेशन गैप एंड काय का डेटा मिसमैच, रिकंसिलेशन करना आसान या मुश्किल? वॉल्यूम बढ़ता है स्टार्टिंग में, जब पहली बार कोई भी बिजनेस, कल अगर तुम कोई बिजनेस चालू करते हो स्टार्टिंग में आपका नॉन इंटीग्रेटेड ही रहने वाला है, पर धीरे धीरे जैसे ही बिजनेस बढ़ेगा आप किस पे शिफ्ट होगे? इंटीग्रेट पे। अभी वापस बोल रहा हूं, कोई भी ऐप को मिक्स मैच नहीं करेगा। कल का जो डिस्कशन था आपका उसको भूल जाइए, वो खाली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आर वी डिस्कसिंग अबाउट सॉफ्टवेयर? नो, वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिस्टम्स। अब क्वेश्चन आता है, सर यही पॉइंट मुझे समझ जाना है जो सेकंड सेट है इसका। ओके, जब पहली बार चालू किया था परचेस के प्रोसेस अलग थे, ओके, एचआर के प्रोसेस अलग थे, अकाउंट्स के प्रोसेस अलग थे। अब मेरे को बताओ, मुझे नॉन इंटीग्रेट से इंटीग्रेटेड पर शिफ्ट होना है, क्या पुराने प्रोसेस रह सकते हैं या प्रोसेस को भी रिवैम्प करना पड़ेगा? रिवैम्प, क्योंकि मेरे को बताओ परचेज ऑर्डर बनाएगा कौन? प्रोडक्शन। लेकिन जैसे ही पीओ बनेगा किसको अपडेट होना चाहिए? यह प्रोसेस में होना चाहिए तो होगा, प्रोसेस में, प्रोसेस जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ना उसमें होना चाहिए। पहले वाले सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में क्या थे मेरे को बताओ? पुराने वाले स्क्रीन में, ये पुराना वाला था। ओके, प्रोडक्शन में क्या था? पीओ तू बना ले, खत्म कर स्टोरी। और अकाउंट्स को क्या बोला था? हर महीने में किसके पास जा। ये लिखा था प्रोसेस में, लिखा था यानी कल तू उधर ये कंपनी में स्क्रीन पे जो दिख रही है वो कंपनी में जाएगा तो तेरे को ये क्या करना होगा? प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, मेरा काम क्या है? रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी, तेरे को क्या होगा एक महीने में किसके पास जाने का? प्रोडक्शन। फिर तू जाएगा, ये करेगा। कब कर रहा है? जब लिखा हुआ है। अब मेरे को बता, जब नया इंटीग्रेटेड आएगा क्या ये लिखा होगा? नहीं यार, ये कैसे लिखा होगा? क्योंकि हमारा टारगेट क्या है इंटीग्रेटेड में? पीओ बनाएगा कौन? पर किसको अपने आप मालूम होना चाहिए? डेवन। किसी को याद नहीं आ रहा डेवन का लेक्चर? जाके वापस यूट्यूब पे देख लीजिए। डेवन पे मैंने यही समझाया, ईआरपी कॉन्सेप्ट इफ यू रिमेंबर। यही तो पॉइंट है, यही तो ये समझा रहा है। इंटीग्रेटेड में हमको क्या चाहिए? इंटीग्रेटेड में एक ने कुछ अपडेट किया, अपडेट किधर होगा? उसके पास या कॉमन में? क्यों? क्योंकि दूसरे को जिसको जो रिलेवेंट लोग हैं उनको अपडेट हो जाना चाहिए, जो जो रिलेवेंट लोग हैं उनको अपडेट होना चाहिए। भारत माता की जय। समझ में आ रहा क्या मेरे को बताओ? तो इसका मतलब इनके प्रोसेस जो पहले वाले थे क्या यही प्रोसेस रहेंगे कि प्रोसेस भी चेंज होंगे? जब प्रोसेस चेंज करोगे तो काम होगा। ओके, बिना प्रोसेस चाहिए काम नहीं होगा। यानी मेरे को बताओ, अब मेरे को बताओ अकाउंट्स का क्या ऐसा प्रोसेस होगा? परचेज ऑर्डर मांगना पड़ेगा पीओ प्रोडक्शन से? नहीं। तो अकाउंट में क्या होगा? जैसे ही पीओ अपडेट होगा सिस्टम में, ऐसा लिखा होगा परचेज में, जैसे ही पीओ अपडेट होगा सिस्टम में, सिस्टम में अपडेट कौन करेगा? प्रोडक्शन। जैसे कौन अपडेट करेगा? प्रोडक्शन। तो सिस्टम कॉमन डेटाबेस में आ गया, कॉमन डेटाबेस में जैसे ही आएगा, ओके, इमीडिएटली किसको अपडेट होना चाहिए? अकाउंट। मैंने आपको बताया, अब अकाउंटिंग एंट्री कौन करेगा? सॉफ्टवेयर। लेकिन ओके, अपने आप नहीं होगा, पहले उसको रिव्यू करना पड़ता है। तो कौन रिव्यू करेगा? अकाउंट। सो अकाउंट डिपार्टमेंट का प्रोसीजर होगा, जैसे ही पीओ अपडेट होगा, ओके, फर्स्ट क्या करना होगा आपको? रिव्यू, और उसके बाद चीजें डिफाइंड होगी। भारत माता की जय। झेपरा के मालिक, ये दूसरा कॉन्सेप्ट आप समझना शुरू हो। यानी मेरे को बताओ, इस ऑर्गेनाइजेशन में जब अपन नॉन इंटीग्रेट, मेरे को बताओ पहला ऑर्गेनाइजेशन, पहली बार जब चालू करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? नॉन, हमेशा 99% ना, मैं बोल रहा हूं, एक आध ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो बहुत सारा पैसा लेके आ रही है, जिसका वॉल्यूम पहले दिन से डिफाइंड है, बहुत सारा काम है, तो वो कौन से सिस्टम पे जाती है? इंटीग्रेटेड। लेकिन मैं आपको बताऊं मैक्सिमम टाइम पहले कैसे चालू होता है? नॉन इंटीग्रेटेड। और जैसे जैसे काम बढ़ता है किस पे जाते हैं? तो मेरे को बताओ, क्या ऐसा पुराने प्रोसेस थे या नहीं थे? हाँ या ना? और नए प्रोसेस होंगे? अब मेरे को बताओ, जब इंटीग्रेट होगा तो प्रोसेस चेंज हो गए, तो मेरे को बताओ क्या एग्जिस्टिंग प्रोसेस एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करने होंगे या पूरा रिवैम्प करना होगा? इसीलिए जब भी इधर से इधर जाते, कान खुले, कान खुले, मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूं। और इसीलिए मैंने आपको क्लियरली बोला था कि भाई यार वो मेरे कॉन्सेप्ट में सही तरह से रही है, ये दूसरा सेशन है। ओके, हमेशा आपको प्रोसेस को रिवैम्प करना होता है। ओके, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेट से इंटीग्रेट में जाने के लिए हमेशा हम लोग करते हैं बीपीआर। क्या करते हैं बेटा? बीपीआर, जिसका नाम है बिजनेस प्रोसेस। नाम तो समझ में आ ही रहा है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग क्या करते हैं बेटा? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। मुझे वापस बताइए, नॉन इंटीग्रेट से इंटीग्रेट में जाना है तो हम लोग प्रोसेस को क्या करते हैं? बीपीआर। बीपीआर का फुल फॉर्म, अभी आपका क्वेश्चन होगा सर बीपीआर में करते क्या, फिर हमें बीपीआर बताओ, बीपीआर का फुल फॉर्म क्या है? प्रोसेस री इंजीनियरिंग। एटलीस्ट नाम से समझ में आ रहा है क्या क्या करते हैं?
क्या करते हैं बिजनेस प्रोसेस को क्या करेंगे? री इंजीनियर। मेरा क्वेश्चन है क्या इसका मतलब प्रोसेस है पहले, हाँ या ना? तो प्रोसेस को क्या करेंगे? री इंजीनियर, पूरा री इंजीनियर करना। आप बोलोगे री इंजीनियरिंग मतलब क्या? री इंजीनियरिंग मतलब क्या? इंजीनियर क्या करता है? पूरा डिजाइन बनाता है, यानी वापस स्टार्ट से लेकर स्क्रैच से चालू करना और पूरा डिजाइन बनाना। दिस इज नथिंग बट बीपीआर, दिस इज नथिंग बट बीपीआर। लेट इट बी क्लियर, ओके? बीपीआर इज ए पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिलेबस, चैप्टर 8। चैप्टर 8 में आपको बीपीआर होता क्या है और उसके पांच अलग अलग सवाल आपको चैप्टर 8 कौन से सिलेबस में? एसएम। तो सर आपने यस में क्यों पढ़ाया? क्योंकि यस में इसका जिक्र दिया है, उसके बिना काम नहीं होता था। ओके, अब एक चीज एकदम अच्छे से समझ लीजिए। ओके, एंड मैं दो एग्जांपल तहत, दो कॉन्सेप्ट के तहत मैं इसको क्लियर करूंगा, फिर ये मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दूसरा पार्ट क्लियर हो जाता। तो दूसरा पार्ट कुछ भी डाउट रहा मेरे को पूछिए, मैं ऑपोज कर रहा हूं। मेरे को बीपीआर समझाना नहीं है क्योंकि मैं अभी एसएम चालू नहीं कर रहा हूं, लेकिन बीपीआर समझाना पड़ेगा क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट इधर है। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, मेरे को बताओ, ओके, पुराने प्रोसेस कैसे थे? नॉन इंटीग्रेटेड। और जब प्रोसेस को इंटीग्रेट करना है तो आपके वही प्रोसेस चलेंगे या उसको री इंजीनियर करना पड़ेगा? और आपको समझ में आया री इंजीनियर क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पहले क्या लिखा था अकाउंट्स को? तू जाएगा, तू ये करेगा, तू फलाना करेगा, तू ढिमका करेगा। अब मेरे को बताओ नहीं, इसमें क्या होगा? तू किधर जाएगा क्या? नहीं, तेरे पास कुछ अपडेट आएगा, तुझे रिव्यू करना होगा, वो रिव्यू होने के बाद तुझे कुछ डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ेंगे, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, कुछ पासवर्ड वासवर्ड डालना पड़ेगा, कुछ तो होगा। Whatever, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट दिस इज हाउ द थिंग्स विल वर्क एंड उसके बाद ओके होगा। ये किस क्या की ये, यानी मेरे को बताओ ये जो स्क्रीन पे है, मैं इसको कलर चेंज करता हूं, ऑरेंज करता हूं, ओके, ये जो स्क्रीन पे है, ये जो स्क्रीन पे प्रोसेस है, ओके, ये जो स्क्रीन पे प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस, ओके, स्क्रीन पे जो दोनों प्रोसेस दिख रहे हैं, क्या दोनों सेम है या अलग अलग है अकाउंट्स के? तो ये अलग जब हुए तो हमने क्या किया? बीपीआर। ये आप ऐसे मन किया और अलग किया ऐसा नहीं होता, आपको पूरा रिवैम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिवैम। और मैं आपको एक जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, पहले मैं जनरलाइज कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं फिर उसको टेक्निकल कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं। घर में ओके, पेंट वेंट खराब हो गया, पेंट वेंट खराब हो गया, हम लोग क्या करेंगे? पूरा घर चेंज करेंगे या पेंट नया करेंगे? दिस इज नॉट ए बीपीआर, दिस इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट। हमने पूरे घर को चेंज किया है क्या? नहीं। ओके, पेंट वेंट चेंज किया, इसका मतलब हम जब इधर थे, ओके, हम इधर थे, एक महीने के बाद मैंने बोला था परचेज ऑर्डर ले लो, हाँ, एक महीने के बाद मैंने बोला था परचेज ऑर्डर ले लो, सबके आत्मा इधर, एक महीने के बाद बोला था परचेज ऑर्डर ले लो, और मुझे मालूम पड़ रहा है एक महीना बहुत डिले हो रहा है, तो मैंने एक महीने का क्या किया? 5 दिन। हर 5 दिन में अकाउंट वाला क्या करेगा? प्रोडक्शन के पास जाएगा, क्योंकि एक महीने में वॉल्यूम बढ़ रहा था तो एक महीने के बाद बहुत डिले हो रहा था, समझ में आ रहा है कुछ? तो मैंने क्या किया एक महीने का? क्या किया? 5 दिन। तो 5 दिन आप मेरे को बताओ इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगी? 5 दिन में मिलेगी या एक दिन, एक महीने के बाद मिलेगी? तो अब ये मैंने जो किया ये बीपीआर नहीं है, ये बीपीआर नहीं है, ये थोड़े बड़े इंप्रूवमेंट है जिससे आपका क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। मेरे को बताओ एक महीने के बाद आपको कुछ डेटा मिलना और आप 5 दिन के बाद डेटा मिलना, किसमें क्वालिटी इंप्रूव होगी? 5 दिन। अब 5 दिन को मैं 1 दिन करता हूं, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है ना, बट दिस इज नॉट बीपीआर। कुछ को समझ में आ रहा है? बीपीआर मतलब ड्रामेटिक चेंज, स्क्रैच से आप जो पहले करते थे पूरा भूल जाइए, ये जो स्क्रीन पे ये पूरा भूल जाए, इसको कैंसल, स्क्रैच, इसको काट दीजिए और नए सिरे से सोचिए, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे नए सिरे से दिमाग लगाना पड़ेगा, नए सिरे से दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो सर एग्जांपल मेरे को बताओ, पेंटिंग मैंने किया, इज दिस बीपीआर? तो सर बीपीआर क्या हुआ, समझ में फिर? एक बहुत बहुत बेहतरीन एग्जांपल, मतलब रियलिस्टिक विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। जब मैंने घर लिया था 2014 का पॉइंट था, तब मेरे पास मेरी रितिका ओके, मनाली, पापा, मम्मी, मेरा भाई और उसकी वाइफ। तो मेरा लॉजिक क्लियर है और मैं हमेशा एक फिलोसफी में बिलीव कर रहा हूं, बिलीव करता हूं, क्योंकि घर जितना छोटा रहा उतना लोग साथ में रहेंगे। तुमने घर जितना बड़ा बनाया उसमें सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो मेरा प्रिंसिपल एकदम क्लियर था स्टार्टिंग से, ओके, भले घर उतना ही रहना चाहिए, यानी एग्जांपल आप मेरे मुंबई के घर में भी आओगे, इवन इधर का तो ठीक है, थोड़ा सा ये पॉइंट पे किया हुआ है, घर मेरा जो मेन घर में आओगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा घर बहुत छोटा है, जबकि दूसरे जो 2-3 रहेंगे वो इतने बड़े जो मैं ऐसे रेंट वेंट पे रहेंगे। पर मेरा प्रिंसिपल ही वैसा है कि मैं चाहता हूं ऐसे ही, पापा मम्मी साथ में रहेंगे, मैं साथ में रहूंगा। अरे अगर ऐसा है और मेरे घर पे आओगे, कोई भी रूम में टीवी नहीं रहेगा, टीवी बैठना तो बाहर, ओके, क्योंकि रूम में टीवी लगा दिया, सब बंदे अंदर, तो टीवी जिसको देखना बाहर बैठा रहेगा, बाहर रहेगा, बाहर हॉल में बैठा रहेगा, सबके सब हॉल में बैठेंगे, आपको डाइनिंग टेबल नहीं मिलेगा। रीजन सिंपल है, क्योंकि अपने फिलोसफी एकदम क्लियर है, पापा मम्मी ने वो तैयार की हुई है, नीचे बैठ के खाना खाओ, ओके, ये सब चीजें मैंने सोची थी। पर 2015 में 3 BHK का जब फ्लैट लिया था मैंने अपने लिए, ओके, तब लिया था, तो मैंने लॉजिक ऐसे लगाया था, रितिका है
ओके मैं हूं, ये है सिनारियो, ये है, और प्लानिंग वैसे की थी। ओके बाद में बीच में बोनस रिचार्ज आ गया आदित्य। ओके अब प्रॉब्लम मेरे को बताओ, जब मैंने घर बनाया, समझना शुरू, मेरा एग्जांपल समझना शुरू, जब मैंने घर बनाया था तो मैंने कपबोर्ड ओबर्ड सब बनाए रहेंगे, किसके कितने दिमाग में, कितने कितने जन को लॉजिक रख के बनाए थे मैंने कपबोर्ड। अगर मैं मेरी रूम की बात करता हूं, मैं मेरी वाइफ और डॉटर, अब मेरे को बताओ वो 20 नया आ गया तो कपबोर्ड का इंपैक्ट हो रहा है, किसका कपबोर्ड जा रहा है, मेरा ही जाना, मेरा ही है, क्योंकि क्या वो तो क्लियर कट लॉजिक है ही ना। मेरे को पूरा एक, सच्ची में बोल रहा हूं, मेरे पास ऐसे एक दो ऐसा पूरा एक कपबोर्ड था रे। ओके जैसे उसमें एक दो तीन ऐसे क्या बोलते उसको, तुम खंड बोलते पता नहीं, मैं खंड बोलता हूँ, स्लैब जो भी है मैं खंड बोलता हूँ उसको, खंड मारवाड़ी में वो पता, मारवाड़ी मराठी मिक्स वाली खंड, एक खंड दो खंड तीन खंड चार खंड पांच खंड, ऐसे पांच खंड थे। अभी अगर आप आओगे तो दो खंड ऊपर के मिल रहे हैं, बाकी तो सब गए। तो ऐसा सीन, ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल है। अभी मेरे को बताओ इन शॉर्ट, अभी इसको अगर मैं थोड़ा सा और रिवैम करता हूं, रिवैम मतलब अभी एग्जांपल करते हैं। ओके अभी यही ऐसे ही सेम फैमिली में आप लॉजिक लगाओ, अगर अभी आदि की शादी होती है, ओके सुमित के इसमें और आगे शादी होती है, आप इमेजिन करो, डोंट यू थिंक ये घर सर्वाइव करेगा या हमें पूरा रिवैम करना पड़ेगा। दिस इज बीपीआर। ओके बीपीआर का लॉजिक क्या होता है, जब आपका बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल बोल रहा हूं मैं, वापस बोल रहा हूं बिजनेस मॉडल, आप इस चीज को समझिए, प्रोसेस यही है, इसको ही थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूं ना, ये बीपीआर नहीं होता है। जैसे मैंने बोला एक महीने की जगह पांच महीने, पांच दिन की जगह एक दिन, मैंने कपबोर्ड एक नया लगा दिया, ये बीपीआर नहीं है। ओके ये बीपीआर नहीं है, मैं पूरा घर तोड़ता हूं, पूरा घर तोड़ता हूं, और अब जो 3 BHK का फ्लैट है शायद मैं उसको 4 BHK बनाता हूं। ओके और 4 BHK के लिए जो मैं काम करूंगा, दैट इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। कुछ समझ में आ रहा मालिक? तो जब ये प्रोसेस बनेंगे, स्क्रीन पे देखो ये जो प्रोसेस है, मैं ऑपोज बोल रहा हूं, एक महीने की जगह मैंने पांच दिन की जगह एक दिन लिया, ये क्या हुआ, बीपीआर या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। लेकिन मैं बोल रहा हूं ये भूल जा, तू ऐसा कुछ नहीं करने वाला, तुझे पहले परचेज ऑर्डर, मैं पूरा नए से सोच रहा हूं, तुझे परचेज ऑर्डर पहले मिलेगा, उसके बाद तू उसको एंटर करना है, नहीं उसको ऑथेंटिकेट करना है, उसके बाद ये सारी मॉडिफाई करना है। अब मेरे को बता ये क्या होगा, ये बीपीआर होगा। ओके ये चेंज करना है इस बीपीआर। ओके पहला सेट क्लियर है मालिक? तो बीपीआर क्या होता है मेरे को बताओ। ओके छोटे मोटे इंप्रूवमेंट या ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, वापस बोल रहा हूं मेरे वर्ड क्लियर रखिए। रीजन सिंपल है, क्योंकि आपके आपको ये लॉजिक नहीं पता और ये एसएम का लास्ट चैप्टर है, और जब तक एसएम नहीं आएगा तब तक बीपीआर आएगा नहीं, और बीपीआर अपने को नहीं आया तो इसका एक कॉन्सेप्ट और उड़ गया, एक दो कॉन्सेप्ट उड़ जाएंगे मेरे, और वो कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर मेरे को वही बोलना पड़ेगा। एक बार समझ लग लो, बाद में देखेंगे। ओके प्लीज अंडरस्टैंड। ओके अब थोड़ा सा थॉट लगाइए, दो तीन चीजें एकदम क्लियर करिए मेरे को। मेरे को बताइए बीपीआर मतलब छोटे मोटे इंप्रूवमेंट या ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। कान खुले मैं कुछ बोल रहा हूं, परसेंटेज के इसमें 10% इंप्रूव किया, इट इज बीपीआर और क्वालिटी 20%, 90% बीपीआर। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये दिमाग में समझो, अगर 80-90% इंप्रूव करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वापस बोल रहा हूं प्रोसेस समझ में आ रहा है क्या? ओके आप समझ रहे हो, मेरे को बताओ एडमिशन कैसे लिया आपने, फॉर्म भरा, फॉर्म पे फोटो वोटो लगाया होगा, एग्जांपल बोल रहा हूं। ओके फॉर्म आने के बाद उसको दिया जो बंदा बैठा हुआ है, उसने फॉर्म के हिसाब से रिसीट बनाई, रिसीट बनाने के बाद ओके उसने आपसे कैश वैश जो भी लिया उसके बाद उसने आपको रिसीट दी, यही प्रोसेस था। ओके जी इसमें मैंने फोटो की जगह मैंने ना कैमरा लगाया और कैमरा से डायरेक्ट फोटो लिया। अब मेरे को बताओ दिस इज बीपीआर या क्वालिटी इंप्रूवमेंट, दिस इज नॉट ए बीपीआर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? लेकिन मैं बोल रहा हूं ये प्रोसेस भूल ही जाओ, और मैं पूरा नए से सोच रहा हूं, और नए से क्या सोच रहा हूं, इट्स समथिंग लाइक दिस। ओके तुम आओगे, ओके फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम उधर नाम दो डेटा दो, ओके सिस्टम में एंट्री करते ही सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेगा, सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर में एंट्री करो, सॉफ्टवेयर रिकॉग्नाइज कर लेगा और तुमको उधर खड़ा रहना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर ही खुद फोटो लेगा और सॉफ्टवेयर उसके बाद अपने आप रिसीट बनाएगा और तुम्हें रिसीट देगा। नाउ ये मेरे को बताओ दिस इज ओनली क्वालिटी इंप्रूवमेंट और ड्रामेटिक चेंज, ये पॉइंट आपको समझना होगा। तो बीपीआर और वापस बोल रहा हूं प्लीज अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। और एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, और एक एग्जांपल बी क्लियर, और एक एग्जांपल मेरे को, एग्जांपल में कोई भी झोल नहीं चाहिए। ओके कोई भी पॉइंट, कोई भी पंटर मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए सर ये एग्जांपल का पॉइंट, मैं क्लियर कर रहा हूं। और एक एग्जांपल मेरे को बताओ, इधर मेरे को बताओ परचेज ऑर्डर कौन बना रहा था नॉन इंटीग्रेटेड में, प्रोडक्शन एवरीवडी क्लियर? अब प्रोडक्शन किसको देता, परचेज ऑर्डर कौन मांगता था, अकाउंट्स, क्या अकाउंट जाता था मैन्युअली देता था, कौन मैन्युअली देता था, प्रोडक्शन वाला। ओके अब मैंने प्रोसेस में क्या चेंज किया, मैंने प्रोसेस में लिखा प्रोडक्शन वाला ईमेल में भेजेगा,
कुछ समझ में आया? अब मेरे को बताओ ये क्या था, ये बीपीआर या क्वालिटी इंप्रूवमेंट? समझ में आ रहा है? ऑटोमेशन करना इज नॉट बीपीआर, खाली ऑटोमेशन बीपीआर नहीं होता है, ऑटोमेशन एक पार्ट है। आप कितना चेंज करते हो और उससे कितना इंप्रूवमेंट आएगा ये मैटर करता है। तो मेरे को बताओ अगर 10-20%, 30%, 40% किया ये बीपीआर या क्वालिटी? आपको बीपीआर के लिए कितना परसेंटेज है? 80-90, ये डिफाइंड नहीं है, पर ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट हो जाता है। क्या इंप्रूवमेंट आता है? ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, यानी आपके जो पुराने प्रोसेस थे और नए प्रोसेस थे उसमें चेंजेस क्या होंगे, बहुत तोड़ या बहुत छोटे मोटे? बहुत तोड़, एंड इसको बोलते हैं बीपीआर। एवरीबॉडी क्लियर? अगर ये आपको समझा होगा तो दो तीन चीजें कंक्लूड कर लीजिए। मेरे को बताओ पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? मेरे को बताओ पेंट करने के लिए पैसा ज्यादा लगेगा, घर तोड़ के नया बनाने में पैसा ज्यादा लगेगा? तो बीपीआर में पैसा ज्यादा लगता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट में? ड्रामेटिक, यानी कंपनी को वापस बहुत तोड़ इन्वेस्टमेंट करना होगा। इन शॉर्ट, जब मैंने पहली बार घर बनाया था, भारत माता की जय, तेरे को झेप रहा होगा, जब मैंने पहली बार नॉन इंटीग्रेट बनाया था जितना खर्चा किया था वापस मेरे को खर्चा करना पड़ेगा। ये बीपीआर है, याद रखना, ये बीपीआर का कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा है? ओके, अब सोच समझ के बताओ, मैंने घर तोड़ के वापस बना दिया, आत्मा मैंने घर तोड़ के बना दिया, घर तोड़ के बना दिया, नया बनाया ना घर मैंने, अब थोड़ा थॉट में लगाओ, क्या वापस मैं अगले साल वापस तोड़ के नया बनाऊंगा? नहीं, याद रखना बीपीआर वंस इन ए लाइफ टाइम होता है। अब मैं वंस इन ए लाइफ टाइम बोलता हूं, इसको फिक्स पकड़ के मत, वंस इन ए लाइफ टाइम। ओके, वंस इन ए लाइफ टाइम ही होता है सर बीपीआर, ऐसा नहीं, वंस बोला जाता है वंस इन ए लाइफ टाइम, लेकिन लॉजिकली अब मेरे को बताओ 10-15 साल देखने की जरूरत नहीं होगी ना? ओके, लेकिन क्या पेंट करने की जरूरत आ सकती है? यानी मेरा क्वेश्चन है, एक बार बीपीआर किया, क्या उसके बाद भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है? ये पॉइंट याद रखिए। मेरे ख्याल से झीपा मालिक, यानी अपन ने घर तोड़ के नया बनाया लेकिन 2 साल के बाद तो कलर तो डाउन होगा ना, तो कलर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट विल बी ऑलवेज अ टास्क, लेकिन बीपीआर इज ऑलवेज और वन टाइम। डिड यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? तो बीपीआर जब किया जाएगा, झेप रहा मालिक ये? ओके, अब पॉइंट ये है, ओके, याद रखना, ईआर मतलब इंटीग्रेट से नॉन इंटीग्रेट में करने के लिए मुझे क्या करना होगा? ओके, क्वालिटी इंप्रूवमेंट या बीपीआर? मैं क्वेश्चन आपसे बोल रहा हूं, नॉन इंटीग्रेट से, मैंने क्या उल्टा बोला क्या? सॉरी, नॉन इंटीग्रेटेड से इंटीग्रेट में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बीपीआर, याद रखिए, मेरे को क्या करना पड़ेगा? बीपीआर। मैं क्या क्वालिटी इंप्रूवमेंट करके क्या नॉन इंटीग्रेट से इंटीग्रेट में जा सकता हूं? कंडीशन ये, कोई नहीं जा ही नहीं सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? ड्रामेटिक चेंज, ड्रामेटिक चेंज। इज द पॉइंट क्लियर? ये दूसरा सेट आपके दिमाग में चला गया। मेरे ख्याल से एवरीबॉडी क्लियर विद दिस परसेप्शन? किसी को भी बीपीआर का एग्जांपल क्लियर ना मालिक? बीपीआर क्लियर है अभी? ओके, तो एटलीस्ट मैं वापस बोल रहा हूं, बीपीआर ये सिलेबस में नहीं है भाई, एसएम में है, लेकिन इधर बीपीआर के बिना काम नहीं होगा। तुमको ये समझेगा इंटीग्रेट क्यों हो रहा है ये एसएसएम, ये कॉन्सेप्ट ऐसे होता है, ये पॉइंट उधर का। अभी ये चीज समझने के लिए कौन समझाएगा? एसएम। लेकिन इधर का लॉजिक तुम्हारे दिमाग में झेपना चाहिए कि बीपीआर क्या है। एटलीस्ट कुछ नहीं आता है ना, एटलीस्ट अरे सर का घर सोच ले, बाकी कुछ नहीं आता है। मेरे को बता पेंट करना क्वालिटी, ओके, तोड़ के पूरा बनाना और तोड़ के वापस में 3BHK, मतलब वापस वही वैसा ही बनाऊ, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए बीपीआर करते वक्त आप जब चैप्टर 8 पढ़ोगे ऐसे में ना, तो बीपीआर करते वक्त आपको उस माइंडसेट से जाने नहीं है जो पुराना है। अब समझे, अगर मेरे को पूछा मैं उसी माइंडसेट में होगी, नहीं घर ऐसे ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही, तो मैं वापस जब नया बनाऊंगा कैसे बनाऊंगा? वैसे ही है, तो माइंडसेट चेंज करना पड़ता है पूरा, स्क्रैच। इसलिए स्क्रैच का वर्डिंग है, इसलिए स्क्रैच का वर्डिंग है। भारत माता की जय, झेपा मालिक। ठीक है, तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट, तीसरा और आखिरी पढ़ाओ, जिससे अपना ये जो इंटीग्रेट सिस्टम को कहानी को खत्म कर सकता है। मेरे को बताओ बीपीआर कब करना है? नहीं नहीं, कब करना है, कब करना है? नॉन इंटीग्रेट से इंटीग्रेट। अब मेरे को बताओ बीपीआर करना मतलब क्या? छोटे मोटे इंप्रूवमेंट या ड्रामेटिक? घर तोड़ना जैसा। मेरे को बताओ पेंट को कितना दिन लगेगा? एग्जाम्पल 8-10 दिन की बात कर सकते हैं, 10-15 दिन में पेंट हो जाता, लेकिन घर तोड़ के नया बनाना 4-5 महीने जाएंगे आराम से। मैं 4-5 महीने एक बेसिक एग्जांपल बोल रहा हूँ, ओके, लेकिन अगर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ओके, सब आप 4-5 महीने की तो बात ही नहीं कर सकते। तो यार मेरे को बताओ ये सब करने में टाइम जाएगा या फटाफट होगा? टाइम जाएगा, सबसे पहला दिमाग में याद रखो, टाइम जाएगा, टाइम जाएगा। दूसरा, कॉस्ट जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अब मेरे को बताओ पेंटिंग का कॉस्ट अगर मैंने डिफाइन किया कि 10,000 लगने वाला है, ओके, मेरे को बताओ 10,000 का 20,000-25,000 लगेगा या 10,000 का 12,000 लग सकता है? 12, पर 25 नहीं लगेगा ना। लेकिन बीपीआर के लिए मैंने सोचा था भाई यार 50 लाख लगेंगे, मेरे को बताओ 50 लाख की जगह, ओके, इस करोड़ भी जा सकता है क्योंकि पूरा रिवैम्प हो रहा है। तो तुम्हारा फंडिंग का जो बजट होता है, बजट की प्लानिंग होती है, वो तोड़ होती है या कहीं पर ऊपर नीचे हो सकती है? ये पॉइंट आप दिमाग में रखो, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जब मैं ये बात कर रहा हूं इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरफ शिफ्ट होने में, तो मेरे को बताओ, ओके, क्या ऑर्गेनाइजेशन को जिगरा चाहिए करने के लिए? यस, ओके, क्यों? अभी क्वेश्चन मेरा ये आता है,
क्यों जिगरा चाहिए, पैसे वैसे की बात मत करना क्योंकि मैं वो बता चुका हूं। अब मेरे को दूसरे कोई कारण चाहिए जिसमें आपसे मुझे असिस्टेंस लगेगा क्योंकि मैंने आपको समझा दिया। ओके, पर मैंने आपको आंसर के साथ एग्जांपल के साथ समझाया। एंड जिगरा क्यों चाहिए कंपनी को ये करने में, ये कंपनी का ऐसा आसान काम नहीं है, इट इज नॉट सो इजी। आपको लग रहा होगा यार ये सर ने तो आधे घंटे में खत्म कर दिया। ओके, आधे घंटे में बीपीआर खत्म हो जाता। अरे भाई मैं आपको बता रहा हूं 4-5 साल लगते हैं बीपीआर करने को, 4-5 साल, ये इससे शिफ्ट करेंगे 4-5 साल तक जाता है टाइम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को। छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो रहेगी उसको 4-5 साल नहीं जाएंगे। एग्जांपल बोल रहा हूं, बजाज का एग्जांपल ले लो, बजाज, आई डू थिंक बजाज तो सब लोग मालूम होंगे पूना के लोगों को, एटलीस्ट पूना में चाकन में फैक्ट्री है। ओके, बजाज पहले नॉन इंटीग्रेटेड पे था, बजाज 2005 में नॉन इंटीग्रेट से इंटीग्रेट पे शिफ्ट हुआ। ओके, बजाज डिसाइडेड नॉन इंटीग्रेट से इंटीग्रेट पे शिफ्ट होना, मतलब ईआरपी। ओके, नॉन इंटीग्रेट मतलब कौन सा, पुराना सिस्टम, इंटीग्रेट मतलब ईआरपी। बजाज ने डिसाइड किया ईआरपी पे शिफ्ट होते हैं। ईआरपी पे शिफ्ट होना मतलब क्या दिमाग में लाने का, ईआरपी मतलब कौन सा, नॉन इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेटेड, बस बजाज ने डिसाइड किया 2005 में डिसाइड किया। मालूम है आपका इंप्लीमेंटेशन कब हुआ था, वो 2010 में, 2005 से लेकर उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। एक हिंट देता हूं, ओके, चाकन की फैक्ट्री बंद थी, चाकन के एम्प्लॉइज वर्किंग एम्प्लॉइज जो है वो चले गए थे स्ट्राइक पे, जो उखाड़ना उखाड़ लो हम नहीं काम करेंगे बिकॉज तुम ये कर रहे हो। अब मेरे को बताओ क्या हो, क्या सीन है, क्या रीजन है। टाइम अडेप्ट करने के लिए चाहिए वैसा नहीं रहे वो, ठीक है, टाइम और कॉस्ट को छोड़कर, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंट होती है, ठीक है, बिजनेस डिसअपॉइंट, टाइम कंज्यूमिंग, तुम्हें ना टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्ट का मत बताओ, वो मैंने बता दिया। तुम मेरे ही ज्ञान मेरे को मत चिपो, मेरे को कॉन्सेप्ट चाहिए, मतलब जिससे आपको समझाओ। यस पंडर, ठीक है, आई मे एग्री। ओके, वो बोल रहा है पुराने सिस्टम पे एम्प्लॉई एकदम, अभी एग्जांपल हुली लो, हुली किसमें खुश था, सालों से क्या कर रहा था, नॉन इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेटेड, तो किसमें खुश था हुली, क्योंकि देखो यार 10 साल से तुम जो कर रहे हो अचानक तुमको नया करना पड़ा, तुम्हारा एडेप्टेबिलिटी इशू आएगा, ठीक है, ये एक पॉइंट है, एक्सेप्टेड, एग्री, एग्रीड, 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 ये पॉइंट है। एक आंसर आया इधर धीरज का, लेकिन उसको मैं बाद में डिस्कस करता हूं, वही पॉइंट है। यस पंटर, इनकम सोर्स क्यों बंद होगा, फैक्ट्री बंद होगी, फैक्ट्री क्यों बंद हुई, क्यों प्रोडक्शन क्यों नहीं होगा, नियर अबाउट, मेरे को यही कॉन्सेप्ट चाहिए था। आप मेरे को बताओ जब ये शिफ्ट किया जाएगा, ओके, एवरीबॉडी प्लीज अंडरस्टैंड, ओके, मेरे को बताइए ये जब शिफ्ट किया जाएगा कौन से सिस्टम से कौन से सिस्टम में, मेरे को बताओ, ओके, कितना टाइम लगेगा, 4-5 साल। आप यही लॉजिक याद रखो, 4-5 साल, क्या अपन धंधा बंद करेंगे, मालूम पड़ा जिसकी वाले इंटीग्रेट में जा रहे वापस 2 साल के बाद नॉन इंटीग्रेट में आना पड़ेगा। ओके, देखो मैं वापस बता रहा हूं, जब धंधा छोटा होता है तो अपन कौन से सिस्टम लेंगे, लेकिन धंधा जैसे बड़ा बड़ा होता है तो मालूम पड़ा तुमने 4-5 साल धंधा इंटीग्रेट करने के चक्कर में धंधे की लगा दी। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, प्लीज अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। ओके, मेरे को बताओ क्या एग्जिस्टिंग काम बंद होगा, यस, आपको लगता है ये बंद करके मैं बोलूंगा जहां इंटीग्रेट में जाते हैं, नहीं नहीं, किसी का मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर पूरा नहीं होगा, ये क्लाइंट में नहीं 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 पूरा ही नहीं होने वाला। ओके, नहीं 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 दे सकता मैं आपको सर्विस, सॉरी सॉरी, ओके, ऐसा करूंगा मैं, नहीं नहीं हम लोग इंटीग्रेट में शिफ्ट हो रहे, नहीं हो रहा है तो तू क्या मेरी वजह से, नहीं नहीं हमें तो इंटीग्रेट में हो जा रहा है, अपन तो अपना भी धंधा बंद करते चलो, ऐसा होगा, ये तो फिर किसी और पे शिफ्ट हो जाएगा, ये रॉ मटेरियल और किसी और से लेने लगेगा, मेरा तो गायब होगा, मतलब यानी 4 साल के बाद वापस मैं शिफ्ट होऊंगा किस पे, नॉन इंटीग्रेट पे। ओके, ये सही नहीं रहेगा। यस पंडर, कस्टमर रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगा, पर उसका कारण कारण के ऊपर ही है, बरोबर है, बैठिए बढ़िया बढ़िया, टेंशन मत ले, बैठ के कोई कोई ऐसा ये है पर्वत ही उधर से है। मेरे ख्याल से आपको कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है, एक आंसर आया इसमें भी, इसने पंडर नहीं बोला, मैं आपको ये बता रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, ये आखिरी कॉन्सेप्ट, ओके, जिसको मैं एग्जाम्पल थ्रू अपडेट कर रहा हूं और ये बहुत शिद्दत से है। ओके, एक मेरे ख्याल से एक 5-1 मिनट और का पॉइंट है, पर ये पॉइंट दिमाग में डाल दो, ये जो सिनारियो स्क्रीन पे दिख रहा है ये जब इसमें शिफ्ट होता है ना मालिक, प्लीज अंडरस्टैंड, ओके, जब अपन धंधा बंद नहीं करते, यानी एग्जांपल मेरे को बताओ, प्रोडक्शन का मैनेजर वही रहेगा ना, लेकिन उसको नए सिस्टम की रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी। ओके, और ये अच्छे से समझ लो, और ये समझ लिया, मैं वापस बोल रहा हूं, अगर आप इधर उधर चले गए तो फिर इसके जो आगे के क्वेश्चन है ना वो भूल जाने, वो छोड़ देने का, ज्यादा दिमाग नहीं, वो फिर रटने का, समझ में आ रहा है, ये समझा फिर वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी, लेकिन ये नहीं समझा तो वो रटना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी। तो इसीलिए प्लीज अंडरस्टैंड, मतलब वो आपका चॉइस अभी। ओके, पॉइंट ये है, सीन ऐसा हो जाता है, व्हेन आई एम डिस्कसिंग वेरी क्लियरली, ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम में जब ट्रांसिट होते हैं, जब मैं ओल्ड और न्यू बोल रहा हूं तो आपको क्लियर है, नॉन इंटीग्रेट से इंटीग्रेट,
ओके सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा? परचेज मैनेजर तो वही रहेगा, परचेज मैनेजर कौन रहेगा, चेंज होगा या वही रहेगा? अब मेरे को बताओ, परचेज मैनेजर वही रहेगा तो क्या वो एग्जिस्टिंग काम छोड़ेगा? नहीं, एग्जिस्टिंग काम छोड़ेगा तो मैं क्या उसको नौकरी से निकाल दूंगा? एग्जिस्टिंग काम धंधा तो करना ही पड़ेगा ना भाई, परचेज मैनेजर बोलो प्रोडक्शन मैनेजर बोलो, उसको एग्जिस्टिंग काम तो करना पड़ेगा, साथ में डोंट यू थिंक उसको न्यू सिस्टम डिजाइन भी करना पड़ेगा? अब क्या वो एक्सपर्ट है न्यू सिस्टम के लिए? अगर वो एक्सपर्ट होता तो पहले ही नए सिस्टम नहीं आ जाते, इसीलिए हमारे कोई बाहर के कंसल्टेंट होते हैं। कौन आते हैं? कंसल्टेंट, यानी यार मेरे को बताओ, घर तोड़ के नया बनाना, पेंट भले ही तू कर लगा, डीआईवाई आज के डेट में बहुत आ गया है, डीआईवाई मालूम है ना, डू इट योर सेल्फ, आपको वीडियो आ जाते हैं डीआईवाई के, पेंट लो ये लो, फिर कपड़े पहनो, फिर हाथ वाथ में ऐसे कुछ ग्लव्स वल्स डालो, फिर ऐसा नैरोलैक 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 ऐसा ऐसा डीआईवाई आता है, लेकिन ये पेंट तक ओके, ऐसा डीआईवाई आता है क्या, घर को तुम ही तोड़ो, ओके ले भाई हाथों ना फटाक, बीम इधर नहीं चाहिए मेरे को, बीच में उधर चाहिए, चलेगा क्या? फिर घर के ऊपर घर ही जाएगा, अरे भाई यार ये तेरा काम नहीं है, तू एक्सपर्ट नहीं है इसमें, मैं रहने वाला हूं, मैं यूजर हूं, घर को यूज करने वाला हूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं बनाने के लिए, मैं प्रोसेस इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मुझे कौन लगेगा? कंसल्टेंट, कौन लगेगा? कंसल्टेंट। अब ये कंसल्टेंट कौन होता है इसका डिस्कशन छोड़ दो, पर तू भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, सीए सीए भी हो सकता है इसमें, ये कंसल्टेंट होंगे। अब ये कंसल्टेंट ओके किसके साथ काम करेगा? कंसल्टेंट को डिजाइन करना है नया सिस्टम, बीपीआर करना है, नया सिस्टम डिजाइन करना है, नया घर बनाना है, लेकिन तू बता तो सही बनाना कैसे, तू जब तक बताएगा नहीं रिक्वायरमेंट, मैं कैसे बनाऊंगा? घर तोड़ दिया, अरे पर कितने रूम चाहिए, कौन सा चाहिए, किधर चाहिए, बेडरूम किधर चाहिए, बाथरूम किधर, अरे तू बताएगा तो वैसे बनाऊंगा मैं, क्योंकि तेरे हिसाब से तोड़ रहे हम लोग। तो मेरे को बताओ, क्या परचेज मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा? अरे हाँ या ना? ओके, अब मेरे को सोच समझ के बताओ, अगर इन्वॉल्व होना पड़ेगा तो क्या नए सिस्टम की रिक्वायरमेंट ओके परचेज और कंसल्टेंट ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे? अब मेरे को बताओ, जो परचेज मैनेजर सुबह 9 से लेकर 7 की नौकरी कर रहा था इतने सालों से, वो ऑल टुगेदर एग्जिस्टिंग काम कर रहा है, उतना तो टाइम उसको जाएगा ही ना। अब मेरे को बताओ, डोंट यू थिंक उसके लिए साथ में टाइम भी जाएगा? ये एडिशनल पॉइंट। दूसरा सिनारियो यानी उसको एग्जिस्टिंग काम बंद नहीं करना है, एग्जिस्टिंग के साथ में ओके उसको देखना होगा। अभी आप बोलोगे एक काम करो ना सर, काई के लिए उसको अटकाते हो, एक काम करो कंसल्टेंट को बोलो तेरे हिसाब से बना ले, तो समझा, यानी घर तेरे को रहना किसको है, कंसल्टेंट को या परचेस मैनेजर, काम किसको करना है, कंसल्टेंट को या परचेस मैनेजर को, तो किससे बात करनी होगी? आप उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, तो उसको तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। ओके पहला दिक्कत। ओके दूसरा सिनारियो, जब ये चीज होती है, कान खुले मैं क्या बोल रहा हूं, जब ये चीज होगी कंसल्टेंट आएगा, कंसल्टेंट बाहर का होगा या अंदर का होगा? ओके अब मेरे को बताओ, ओके अपने घर वाले कोई ज्ञान देते हैं तो सुन लेते हैं, घर वाले ने बोला, पापा ने बोला तेरे से ज्यादा दिवाली मैंने देखी है, बोलते कि नहीं पापा? नहीं बोलते तेरे को? तूने कब बोला कुछ मेरे को, ऐसा पापा ऐसा करना है, मम्मी ऐसा करना है, मेरे को ये करना है? बोले दिमाग मत खराब कर, ये अभी ऐसा ऐसा बोला जाता है कि नहीं बोला जाता, पता नहीं, मैंने तो सुना हुआ ऐसा बहुत बार, ऐसा बोलते हैं तेरे को मालूम है क्या क्या ऐसा क्या होता है ये करने से, तेरे बापू ने ज्यादा दिवाली देखी है, मेरे को तो ऐसा बापू बोलता ही थे, मतलब अभी अभी तो ठीक है ओके, पर बहुत बार बोलते थे बापू, ऐसा ऐसा डिफाइन होता था, मैंने बोला ना मेरे को पापा ये करना है, मेरा बापू मतलब मैं बापू ही बोलता हूँ, बापू ये करना है, बापू मतलब मेरे बापू मतलब पापा, नहीं तो तुम गांधी जी को सोच रहे हो, मां कसम साला सोच रहे होंगे यार अमित दादा साला तो यार 1947 के पहले तो होगा नहीं, और होगा तो ये भारी दिख रहा है ये एज में, तो मेरे बापू ऐसा कभी कुछ इंटरेक्ट किया, मैं बोला मेरे को ये कुछ खरीदना है, या मैं ये कर रहा हूं, या मैं ऐसे ही रखने वाला हूं, मैं ऐसे ही खरीदना चाहता हूं, या मैं ऐसे ही करना चाहता हूं, फिर मेरा बापू बोलता है तेरे को समझता है क्या, तेरे से ज्यादा दिवाली मैंने देखी है, अब उसमें मेरी गलती, तुमने डिसाइड लेट किया, मेरी क्या गलती, मैं तो पहले भी आ जाता, अब मैं अपनी गलती थोड़ी ना भाई, तो अब मैं ये मन में बोलता हूं मैं हमेशा, इन शॉर्ट अपनी घर पे सबसे फटती है, मम्मी से भी फटती है, बापू से भी फटती है, तो भाई सीन ऐसा है, जब ये होएगा ना परचेज मैनेजर, ये कंसल्टेंट आएगा ना बाहर का होगा, बाहर का कोई ज्ञान देने आया ना उसका जमता नहीं अपने को, बापू ने बोला सुन लेगा, कोई बाहर का आता है और ज्ञान देता है, तेरे को मालूम है क्या ऐसा ये तेरे बापू ने ज्यादा दिवाली देखी है, चल दिवाली तू दिखा मत, नहीं तो तेरा दिवाला निकालूंगा, कंसल्टेंट, तो मेरे को बताओ कंसल्टेंट के साथ मिलके ये लोग काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, या इनको ईगो इशू आएंगे? पॉइंट समझ रहे हो तुम लोग क्या क्या ईगो इशूज रहेंगे, और ये इशूज के इसमें ये पहला पॉइंट पक्का समझाइए। दूसरा ओके, ये कंसल्टेंट का नाम मिस्टर ए है, ओके मेरे को बताओ कितने साल लगेंगे ये सब करते करते, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, कितने साल लगेंगे,
चार से पांच साल, आपको लगता है कोई एम्प्लॉई चार से पांच साल एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहता है? नहीं, तो मेरे को बताओ लेबर टर्नओवर ज्यादा या कम? ज्यादा या कम? ज्यादा। तुम समझो चार पांच साल क्यों लग रहे, ये भी समझा रहा हूं। मिस्टर ए है, ओके, उसने कंसल्टेंट के साथ में काम किया कि मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए, साल भर के बाद मिस्टर ए ही चला गया। ओके, समझ में आया क्या? अब मेरे को बताओ कौन आया नया एम्प्लॉई? मिस्टर बी। अब मिस्टर बी, वापस मैं बोल रहा हूं, मिस्टर बी एग्जिस्टिंग काम करेगा, एग्जिस्टिंग धंधा बंद मत करो। अब मेरे को बताओ, अब जो पिछली रिक्वायरमेंट थी कंसल्टेंट के पास वो किसके हिसाब से थी? मेरे को बताओ, तुमको समझ में आ रहा प्रॉब्लम? अब कंसल्टेंट को किसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा? अब मेरे को बताओ, बी की रिक्वायरमेंट और ए की रिक्वायरमेंट सेम होती है, अलग अलग हो जाएगी? अब अलग हो जाएगी तो उसमें भी चेंजेस आएंगे। तुमको समझ में आ रहा है टाइम क्यों ज्यादा लग रहा है? ये टाइम लगने के पॉइंट, ओके, ये पॉइंट मैं पॉइंट्स पॉइंटर्स क्लियर कर रहा हूं, ओके। और इस ये होते होते, मतलब ये सारी चीजें होते होते कैसे तो कैसे खत्म होएगा, काम होएगा, पैसा कौन देगा? पैसा मतलब फंडिंग कौन करेगा? टॉप मैनेजमेंट, ओके, एवरीबडी एग्री कि एम्प्लॉय देगा? टॉप मैनेजमेंट। अब मेरे को बताओ टॉप मैनेजमेंट ये फंडिंग क्यों कर रहा है? गिव मी अ गुड आंसर, आई एम वेटिंग। एक पांच मिनट में अपने को ये करना है भाई, क्लोज, ओके। मेरे को बताओ, बताइए टॉप मैनेजमेंट क्यों फंडिंग करेगा? लॉन्ग रन के लिए बेटर होगा, बताइए कैसे बेटर होगा? अलग अलग डेटा नहीं होंगे, ये सब नहीं होंगे, ठीक है, ओके। अब मेरे को बताओ, मतलब यही है मैडम ने जो बोला, इन शॉर्ट मैं उसको कंक्लूड कर लेता हूँ, मतलब मेरे को लगा ही था ये आंसर आएगा, ओके। आपका पॉइंट है कि भाई, ओके, मेरे को बताओ काम फटाफट होगा या टाइम लगेगा? फटाफट होगा। मेरे को बताओ पुराने इसमें परचेज ऑर्डर लेने किसको जाना पड़ता था, अब जाएगा क्या वो? ओके, काम फटाफट हो रहा है, इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल रही है, डेटा मिसमैच होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। कम्युनिकेशन गैप रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। ये सारी चीजें है, ओके। और टॉप मैनेजमेंट बोल रहा है गया तेल लेने, मेरे को ये क्या करना? मिस्टर ए को जाना पड़ता है तो जाना भाई, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है तो तुम संभाल लो भाई, ओके। मेरे को बताओ ये पूरा खर्च करने के लिए कितना लगेगा? बीपीआर करोड़ों रुपए जाएगा, काई के लिए? ओके, जाने दो। ऑपरेशनल कॉस्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हो ना, और ये इनकर करने के बाद मेरे को बताओ खर्चा होगा या नहीं होगा? होगा, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर डालने के बाद भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, लेकिन इंप्रूवमेंट किस स्टेप में आ रहा है? इंप्रूवमेंट किस में आ रहा है? मेरे को क्या पैसे में इंप्रूवमेंट आ रहा है? एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट आ रहा है। मेरे को ये प्रूव करके बताओ एफिशिएंसी का इंप्रूवमेंट मेरे को फायदा क्या करेगा? टॉप मैनेजमेंट पैसा कब देगा? कुछ समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट? टॉप मैनेजमेंट फंडिंग कब देगा? टॉप मैनेजमेंट फंडिंग कब देगा? तुमको क्या लग रहा है? तुम आके बोलोगे मेरा टाइम बचेगा, ले भाई ये ले 50 रुपए टाइम बचा, ओके। ये नहीं, मेरे को कब मैं फंडिंग कब दूंगा? जब अरे यार फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तुम्हारा टर्नओवर कुछ बढ़ेगा, तुम्हारा सेल्स बढ़ेगा, ये सब पे मेरे को खुशी होगी ना, ओके। मेरे को बताओ इससे किससे खुशी दे रहे हो? टर्नओवर में दे रहे हो क्या? किस में दे रहे हो? एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में दे रहे हो, झिपरा के मालिक। तो मेरे को बताओ टॉप मैनेजमेंट कहीं ना कहीं फंडिंग, ओके, रोकेगा, ओके, रोकेगा या देगा? रोकने की चांसेस ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी वो हाँ कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई आज के डेट में इंटीग्रेट में जाना चाहिए, उसके बहुत सारे फायदे हैं, ओके। तो इसको कुछ मुझे बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे, क्या बताने पड़ेंगे? बेनिफिट्स। लेकिन कितना भी हुआ, ओके, इसने बोला 1 करोड़, ओके। अब मेरे को बताओ 1 करोड़, ओके, क्या 1 करोड़ का 1 करोड़ ही लगेगा? अगर कोई बोल रहा है हाँ, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूं, इसके ऊपर ही जस्ट जो है, इसके ऊपर ही वाला। मेरे को बताओ पहले कौन था? मिस्टर ए, ओके। कंसल्टेंट ने किसके साथ काम किया? ए के साथ। अब मेरे को बताओ 6 महीना साल भर ए रहा, ओके, वो छोड़ के चला गया, क्या अपन उसको रोकेंगे, ट्राई करेंगे रोकने की? हाँ ट्राई करेंगे। ट्राई कैसे करेगा? ज्यादा पैसा, तो पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। और मेरे को बताओ मिस्टर ए रुका नहीं फिर भी, मतलब कॉस्टिंग देखो हाँ तुम। मेरे को बताओ मिस्टर ए रुका नहीं फिर भी, फिर मिस्टर बी। अब मेरे को बताओ मिस्टर बी जो आएगा वो रियल टाइम बेसिस पे आएगा, ओके, वो भी तो ज्यादा ही लेगा, ओके। देखो मिस्टर ए जो मेरा लॉयल एम्प्लॉई है वो शायद मेरे लिए लॉयल रहेगा, मिस्टर बी वो क्या लॉयल रहने वाला है? बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। अब मेरे को बताओ मिस्टर बी जब ये आएगा, ओके, मिस्टर बी वापस कंसल्टेंट के साथ काम करेगा कि नहीं करेगा? तो मेरे को बताओ कंसल्टेंट के चार्जेस बढ़ते जाएंगे कम होते जाएंगे? यानी जब मैंने बजट बनाया था कितने का बजट बनाया था? 1 करोड़, लेकिन ये कहीं ना कहीं 2-3 करोड़ तक चला जाएगा। अब मिशन मंगल जैसा मत करना सर, वो उधर का बजट इधर लगवा दो। मालूम है ना मिशन मंगल, देखा है कि नहीं मिशन मंगल में? मालूम है ना वो बताया था, ओके, विद्या बालन बोलती है सर वो किधर का बजट, ओके, चंद्रयान का बजट मिशन मंगल में लगा दो। वो बोलते ना कल की सब्जी बची हुई कैसे यूज करनी नेक्स्ट ईयर बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट डे कैसे यूज करनी, ये क्लियर होता है, ये क्लियर करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ओके, बट टू द एक्सटेंट ऐसा नहीं होगा। मैनेजमेंट है ना क्या करेगा, 1 करोड़ तक ठीक है, 1 करोड़ के बाद है ना मैनेजमेंट हाथ ऊपर खड़े कर देगा, ओके। मेरे को बताओ अगर मैनेजमेंट ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए, ओके, मेरे को बताओ क्या होगा? प्रोजेक्ट रुक जाएगा, ओके, दिस इज ईआरपी, 4 से 5 साल।
फिर बाद में वापस कन्विंस करो, बहुत सारी चीजें, ये चीजें समझ में आई मालिक? एवरीबडी, मैंने तीन सेट में क्या क्या पढ़ाया, पहला सेट मैंने आपको पढ़ाया एकदम बकायदा, पहला सेट जो पढ़ाया मैंने वो क्लियरली क्या पढ़ाया, ओके सबसे पहले नॉन इंटीग्रेट इंटीग्रेट ये क्लियर कर दिया। दूसरा मैंने बताया ओके इंटीग्रेट में शिफ्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मैंने बीपीआर का अच्छा खासा ज्ञान दिया है ओके, जो कि बीपीआर के मेरे सिर्फ दो ही पॉइंट है, लेकिन दो पॉइंट अभी क्लियरली आने चाहिए, आगे मैं वापस बीपीआर के ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा। और तीसरा सिनेरियो मेरे को बताओ मैंने क्या समझाया, ओके बहुत सारे फैक्टर्स समझाए, बहुत सारे फैक्टर्स जिसके अंदर एम्प्लॉय के फैक्टर्स, कंसल्टेंट के फैक्टर्स, टॉप मैनेजमेंट के फैक्टर्स, ओके और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप ये समझ लेना ओके, जो एम्प्लॉय मिस्टर ए है, सपोज मिस्टर ए ही रहा है, कितने साल रहा मिस्टर ए मेरे पास, आत्मा मिस्टर ए कितने साल रहा मेरे पास, एज्यूम करते मिस्टर ए पूरा ही चल रहा है, कितने साल रहा मेरे पास, चार से पांच साल। अब मेरे को बताओ जो पहले वो काम करता था मिस्टर ए, पहले जैसे काम करता था वैसे ही मिस्टर ए आगे काम करेगा कि चेंज होगा, चेंज होगा, एवरीबडी क्लियर, मिस्टर पक्का समझ में आ रहा है? तो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या बोला मैंने, जॉब डिस्क्रिप्शन एक ही रहेगा या अलग अलग होगा, बात समझ में आ रहा है? तो मेरे को बताओ उसके लिए अडॉप्ट करना आसान या मुश्किल, मुश्किल ओके, भूली जो 10 साल से काम कर रहा है मेरे पास ओके, 10 साल से जैसे वो काम कर रहा है, अगर आप उसको अगले ही महीने अगले ही पॉइंट पे नए सिरे से काम करने लगाओगे, मेरे को बताओ वो इजीली अडॉप्ट करेगा या टाइम लगेगा? फिर जो तुमने बोला था वो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अब मेरे को बताओ ट्रेनिंग देनी पड़ेगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगा ओके, और मेरे को बताओ पहले से कितने साल लग गए, चार पांच साल लग गए बनाते बनाते ओके, मैनेजमेंट बोलता है दिमाग मत खराब करना, ट्रेनिंग वेनिंग गया तेल लेना सीधा चालू करो, मैनेजमेंट क्या करता है ट्रेनिंग को कर्टेल करता है, कर्टेल कर्टेल CURTAIL कर्टेल मतलब अवॉइड करता है, कम करने की कोशिश करता है, क्यों कम करने की कोशिश कर रहा है समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी कितना टाइम चला गया है ज्यादा कॉस्ट ज्यादा, और ये सब क्यों जा रहा है ये मैंने आपको लास्ट कॉन्सेप्ट में समझा दिया, ये तीन सेट में अपन कर लेते हैं एंड मेरे ख्याल से तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ गए, कॉन्सेप्ट बोल रहा ओके इस कॉन्सेप्ट में बोल रहा हूं ओके, तो ईआरपी को फाइनलाइज कर लो। और एक छोटा सा पॉइंट अभी सॉफ्टवेयर के इसमें, अब मैं डेफिनेशन में चालू करूंगा ओके, अभी तुम्हारा एक्टिव नहीं है व्हाटएवर वो सब रिपीट होते जाएगा कंटेंट, वैसे ही मतलब रिपीट होते जाएगा, मतलब बार बार वो पूरा नहीं आएगा पर रिविजन होते जाएगा उसका आगे का जो भी मैं डिस्कस करूंगा ओके, कहीं ना कहीं रिविजन पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन चीजें एकदम अच्छे से डिफाइन करते हैं, स्क्रीन पे ध्यान दो ओके। अब कुछ पॉइंट मैं लिखने बोलूंगा दो मिनट के बाद ओके, जब मैं बोल रहा हूं हाँ किसको झपकी लेने ले सकता है तुम्हारी मर्जी ओके। ओके अब सीन में मैंने सारी चीजें समझा दी है, उसी को पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, सबका ध्यान ये, और आप जो बनाओगे डायग्राम जो किस पे बनाना है अपने को वो ये रहेगा ओके। ओके जो अपने को चाहिए कंटेंट ओके डायग्राम ठीक है, डायग्राम आपके दिमाग में वैसे ही भी, मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद वापस कोई उतार भी पाएगा ये डायग्राम ओके, ये दिमाग में अभी बैठा हुआ है, जैसे ही आया तीन डिपार्टमेंट अकाउंट्स एचआर प्रोडक्शन, वापस पूरे चैप्टर टू के लिए डायग्राम यही रहने वाला है, चैप्टर टू मतलब मॉड्यूल्स के लिए नेक्स्ट तीन लेक्चर
टिल थर्सडे और फ्राइडे, मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा मैं एक आध घंटे का अपना आगे पीछे चल रहा फ्राइडे के इसमें। और एक चीज मैं बता दूं, टाइम टेबल आपको दे दिया है, पर उसमें मैं बोला था मैं एकदम आधा आधा वेरियंस नहीं आएगा, मतलब यार 31 का मैं डेज में कोई वेरियंस नहीं आएगा, प्लस माइनस विथ अ डे हो सकता है, एक दिन का अगले दिन कंटेंट वो प्लस माइनस हो सकता है, समझ में आ रहा ना। मतलब आज उठ के मत बोलना सर आपने तो लिखा था मॉड्यूल्स हो जाना चाहिए था, अभी क्या तुम साला क्या बढ़ा रहे हो, मेरी मर्जी, तुम्हारा दिन मैंने क्लियरली बोला हुआ है, तुमको वो नंबर ऑफ डेज पे मैं पूरा आई है, और कहीं पर भी कोई पॉइंट पे ऐसा मत अज्यूम करो कि मैं भगा रन के, तुमको कुछ डाउट है बिंदास पूछो, अपन एकदम तोड़, अपने को रिजल्ट एकदम क्लियर है एग्जम्पशन, और वापस बता दो एग्जम्पशन खाली यस से नहीं आता, हाँ ये दोनों सिलेबस करने के बाद एग्जम्पशन आएगा, और जब तक एग्जम्पशन नहीं आया ना लाइफ में साला कुछ सेटल नहीं है, एग्जम्पशन आना ही सबसे बड़ी बात है। और मैं बोल रहा हूँ एवरेज बच्चों के लिए, एवरेज बच्चा मतलब वो बच्चा जिसका जिंदगी में उसको मालूम है 10वीं तक कैसे निकला 12वीं तक कैसे निकला है, ओके रैंक होल्डर की तो बात ही नहीं कर रहे, रैंक होल्डर तो वैसे ही एग्जम्पशन लाने वाला है, समझ में आया, उसके उसका तो एग्जम्पशन डिफाइंड है, ओके तो अब अगर आप देखोगे मेरा मेन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डिवीजन कर रहा हूं, जो मैंने अभी आपको बताया ये खाली फिगर्स में डालूंगा, फिगर्स में नंबर्स ऑफ डेज में एंड अदर थिंग्स, और ये एग्जांपल अपने लिए बहुत सारा काम करेगा। बहुत अच्छे से क्लोज करो मालिक, बहुत शिद्दत से एंड 100% श्योर शॉट, इसमें एलडीआर बोलना मेरे को बहुत मुश्किल होगा, लेकिन 100% श्योर शॉट आज और कल के लेक्चर में, आज कल और प्रोबेबली शायद एक आध घंटे परसों का, मतलब ऐसे दो लेक्चर का लॉजिक था ये, मेरा कल कॉन्सेप्ट कल खत्म हो जाना चाहिए था ये वाला, ये स्ट्रक्चर वाला, पर अगर मैं बात करूं दो दिन के लेक्चर में आप लिख के ले लीजिए 4 मार्क्स श्योर शॉट, लेकिन वो चार कौन सा आएगा, जैसे मैं पहले क्लियर था पहले वाले कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में ईआरपी या इंटीग्रेटेड सिस्टम में, ये थोड़ा सा डाइसी है प्राइवेट, और तीसरा 4 मार्क बिजनेस रिपोर्टिंग में, और भाई सैटरडे आपसे मैं बात करूंगा, अभी मैं बात नहीं करूंगा, एटलीस्ट मेरे ख्याल से अभी कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग के ऊपर आपको कंफर्ट जोन आ गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग अगर आप वापस रिवाइज करते हो देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है, वो हो जाता है भाई, सेम लॉजिक आपका पूरा सिलेबस होना चाहिए, अपना स्ट्रक्चर अगर पूरा हो जाता है यानी सैटरडे तक ऑलमोस्ट चैप्टर टू अपना खत्म हो जाता है, एक आध घंटा क्योंकि डिले चल रहा है तो उसमें अगर प्लस माइनस रहा भी तो ऑलमोस्ट आ जाता है, अगर अपने को पूरा रिकॉल होता है चैप्टर टू, और वापस बोल रहा हूं बिना बुक देखे, ये मेरा पॉइंट है, ओके अपनी कहानी आपको ही मालूम है, बस आपको मैंने क्या बताया वो है एकदम क्लियरली, जो ये बैच जून में कर रहा है, अब हो सकता है ये बैच कोई अगस्त सितंबर में बैकअप में देखे, उसकी किस्मत इसलिए अच्छी है क्योंकि वो डायरेक्टली ये देख के एग्जाम देगा, लेकिन आप लोग जून में देख रहे हो अपनी बैच, अप्रोक्सीमेटली एक ईएस की बात करें तो एक 32 डेज ऑड अप्रोक्सीमेटली समथिंग अराउंड जुलाई का 18 एक रेंज 17-18 का कुछ लॉजिक होगा, 16-16 के रेंज तक अपन, ये 15-16 के रेंज तक होएगा अपन ये एंड करेंगे, इसके बाद क्या, इसके बाद अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, याद रखना, एंड दैट इज वेयर आवर रिविजन लेक्चर विल प्ले रोल, जो मैं आपको ये वीक एंड में आपको एक चैप्टर का दे दूंगा ड्राइव पे, आपके पास लिंक ये आ गया सीरियल की, लिंक आ जाएगी ड्राइव की, अभी वो भी हुली कर देगा, एक ग्रुप हुली बना ही रहा है, ओके फेस टू फेस का अलग रहेगा, वर्चुअल का अलग रहेगा, क्योंकि फेस टू फेस का वो डिफाइंड रहता मेरे इसमें, ओके तो अलग अलग रहता, फिर किसकी मारनी है तो मैं समझ में आता ना फिर, तो ग्रुप में फिर अभी वो क्या होता है कॉम्बिनेशन हो जाता है कभी कभी, इधर के बंदे को ये पता नहीं रहता, इधर के बंदे को थोड़ा मिक्स मैच होता है कभी कभी, तो इसीलिए अपने पास अभी तो दो नाम मिले रहे, अभी तो पहले दो ही नाम मिले ना, एक नाम कौन आदित्य, एक नाम कौन, नहीं तीसरा भी नाम आया था ना कल, अनूप किधर है, आज नहीं आया, कल आदित्य नहीं आया, हाँ सच्ची में ऐसा है, जिसका नाम लिया वो नहीं आ रहा है अगले दिन, ऐसा हो जा रहा है, तो आज सोच आज ट्राई करते हैं किसको पकड़े कल नहीं आया, देखेंगे ना, ट्राई करते हैं कि ऐसा हो रहा है क्या सच्ची में, तो मतलब ऐसा अगले दिन वो नहीं आ रहा है देखेंगे मालिक। मैडम आपका नाम प्रांजल, प्रांजल देखते हैं अभी, प्रांजल बॉयज का तो लॉजिक समझ में आ गया, दो दिन में दो, यदि एक दिन एक का नाम लिया अगले दिन वो नहीं आया, एक का अगले दिन नहीं आया, ठीक है बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अगर ये आपने तोड़ समझा आई बेट इसके बाद है ना एक एक आंसर बहुत बड़ा आंसर, ओके आपका 5 से 7 मिनट में यहां पर बैठ जाएगा, उसके बाद आपको 5 मिनट के अंदर भी नहीं लगे उसको रिवाइज करने के लिए, उसके बाद 2-2 मिनट में आपको पूरा रिकॉल हो जाएगा मसाले के साथ, और बड़ा आंसर मैं बोल रहा हूं मतलब 2 पेज का आंसर,
2 पेज का आंसर इस कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाना चाहिए। सबके आत्मा इधर, मैं बात कर रहा हूं कौन से सिस्टम की, इंटीग्रेटेड। लेकिन इंटीग्रेट के पहले मेरे को नॉन इंटीग्रेटेड समझना पड़ेगा, तो इंटीग्रेटेड फायदे समझ में आएंगे। ओके स्क्रीन पे समझिए, नॉन इंटीग्रेटेड इंटीग्रेट पे कहानी तो एकदम क्लियर है ना मालिक। ओके ठीक है। यस तुषार, ऑनलाइन वालों का भी नाम, चल तुषार तेरा नाम लिया, कल दिखता हूं तेरे को। नहीं ऑनलाइन वाले में क्या प्रॉब्लम होगा, वो सोया तो नहीं रहेगा, लेकिन उसका हो सकता है रियो ही नहीं चल रहा। ऐसा होता है भाई कभी कभी इसमें। तुषार देखते हैं कल, अगर तेरा रियो फेल हुआ तो मतलब मां कसम, मतलब अपना जबान एकदम तोड़े भाई, फिर तो मैं तो बहुत सारी चीजें सोच रहा हूं बोल दू, मतलब फिर तो बहुत सारी चीजें मन में बोलने की, बहुत सारी बोलने की ऐसे लगी हुई है। तुषार तोड़, तुषार अग्रवाल जी तोड़ मैन, देखेंगे कल। तुषार अग्रवाल कल मिलना चाहिए, प्रांजल कल, अगर इसमें ये रहा तोड़ मैन प्रांजल उठना, मतलब ये लोग सो रहे हैं, इनका और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अलार्म बज रहा, इनको ऐसा लग रहा है सपना देख रहा है, तो वो स्नूज ऑफ की जगह ऑफ कर दे रहा है। स्नूज ऑफ का ऑप्शन भी था तो स्नूज ऑफ कर लेना, मतलब अरे काहे का स्नूज ऑफ, उठ जाना, ऑलरेडी स्नूज ऑफ कर लेगी। अरे उठना रे भाई उठना, स्नूज ऑफ मत करना भाई। ओके इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड स्क्रीन पे देखिए, मैं पहले एग्जांपल दे रहा हूं नॉन इंटीग्रेट का स्क्रीन पे। अगर नॉन इंटीग्रेट सिस्टम है तो डेटाबेस कैसे है, साथ साथ में अलग अलग। देखिए कस्टमर ने ऑर्डर किया, ओके कस्टमर ने ऑर्डर किया सेंटर में, कस्टमर ने ऑर्डर किया सेंटर में, जब डेटाबेस नॉन इंटीग्रेट है समझ लीजिए, कस्टमर ने ऑर्डर किया सेंटर में। अब क्योंकि कॉमन डेटाबेस नहीं है तो सेंटर को ये ऑर्डर अपडेट करना पड़ेगा, ओके ऑर्डर को अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन एज्यूम करते हैं कि हमारे पास रॉ मटेरियल्स नहीं है, एज्यूम करते हैं हमारे पास क्या नहीं है, रॉ मटेरियल्स, यानी हम लोग कैसे बना रहे हैं, मेक टू ऑर्डर होता है ना, मेक टू ऑर्डर बनाते हैं, तुम्हारा ऑर्डर आएगा तो हम ऑर्डर कर प्रोसेस करेंगे। ओके तो अब हमारे पास और एक प्रोडक्शन के साथ में और एक डिपार्टमेंट देख लेते हैं, ओके दैट इज परचेस का डिपार्टमेंट, ओके अलग ही कर देते हैं इसको थोड़ा सा, परचेस का डिपार्टमेंट। अब ये जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आएगा, ओके सेंटर से अपडेट किसके पास जाएगा, परचेस, फिर परचेस वाला किसको अपडेट करेगा, सप्लायर, प्रोडक्शन को क्यों, रॉ मटेरियल मंगाने पड़ेंगे ना, सप्लायर, मेरे को बता सप्लायर से डायरेक्टली ऑर्डर करेगा या कोटेशन आएगा, कोटेशन आएगा, वापस सप्लायर से कोटेशन आएगा, और कोटेशन से वापस ये तुम बनाओ मत आए, अभी वो जो आपको बनाना वो अलग चीज है, ये मैं खाली आपको समझाने के लिए, कौन सा बना, नहीं मैं अभी बना रहा हूं वो डायग्राम में अपडेट कर रहा हूं वो मत करिए, बाकी चाहिए मेरे को, इसके पहले वाला लिखा था ना, हाँ आप वो जो मैं डायग्राम में अपडेट कर रहा हूं ये मत करिए, बस ये पहले समझ, ये वाला खत्म करिए, मैं डेज डाल रहा हूं उसके बाद वो अपडेट करना है आपको। ओके अब मेरे को बताओ परचेज वाला सप्लायर से कोटेशन आया, कोटेशन आने के बाद वापस परचेज वाला सप्लायर को बोलेगा क्या भेज, परचेज ऑर्डर, और परचेज ऑर्डर होगा सप्लायर क्या भेजेगा, रॉ मटेरियल भेजेगा, और रॉ मटेरियल किसके पास आएगा, फिर प्रोडक्शन फिर प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन क्या करेगा, प्रोड्यूस, और प्रोड्यूस करने के बाद ओके वो और एक डिपार्टमेंट है जो जिसका नाम हो सकता है लॉजिस्टिक, वो किसको बोलेगा, लॉजिस्टिक को, कि भाई लॉजिस्टिक ये डिलीवरी करनी है, किसके पास डिलीवरी करनी है, कस्टमर। ओके सीक्वेंस समझ में आया, अभी लॉजिक है, मैं डेज के ऊपर एक अजम्पशन बेसिस पे डेज ले रहा हूं, सब समझ लीजिए। ओके नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या हो रहा है, कस्टमर ऑर्डर आता है 10 जनवरी को कस्टमर ऑर्डर आता है 10 जन को। ओके जैसे ही कस्टमर ऑर्डर आता है उसके बाद किसके पास चला जाता है, परचेज डिपार्टमेंट, एज्यूम करते हैं इसमें एक दिन लगता है क्योंकि कस्टमर ऑर्डर आया था सेल्स वाले के पास, किसके पास आया था, सेल्स, और हमारे प्रोसेस कौन से है, नॉन इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेटेड, तो परचेज वाले को क्या अभी मालूम पड़ेगा क्या, नहीं, एज्यूम करते हैं हमारे पॉलिसीज ऐसी थी कि हर एंड ऑफ द डे ओके सेल्स वाला परचेज को बताएगा, तो मेरे को बताओ ओके परचेज वाले को कब मालूम पड़ा कि ऑर्डर आया है, 11/11 को, जीपा मालिक, ओके एज्यूम करते हैं परचेज के पास रियल टाइम में ऑर्डर आती है, रियल टाइम में सप्लायर को नहीं भेजता वो, ओके वो अगले दिन भेजता है, यानी उसको वापस कितना दिन लग रहा है, एक दिन, ओके यानी उसको एक दिन लगेगा कोटेशन मंगाने के लिए, कितने दिन लगेंगे, एक दिन, कोटेशन मंगाने के लिए मतलब कोटेशन के लिए बोलने के लिए, तो यानी 12 को वो सब सप्लायर को बोलेगा कोटेशन भेजो, कोटेशन के लिए यूजुअली 2 दिन पकड़ते हैं, स्क्रीन पे ध्यान दो मैं 2 दिन रेड में लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि कोटेशन आना किससे, आना किससे आने वाला कोटेशन, सप्लायर, ये कांस्टेंट रहने वाला है, आप इंटीग्रेटेड हो या नॉन इंटीग्रेटेड, इज दैट पॉइंट क्लियर, तो मैंने इसको कौन से कलर में लिखा है, रेड, झीपा नहीं ये पॉइंट। ओके अब मेरे को बताओ जैसे ही ये आएगा, ओके कोटेशन आएगा, कोटेशन कब आया, 12 का
14th को कोटेशन आया, लेकिन इमेजिन करो कोटेशन आते ही हमारा इवेल्यूशन सिस्टम एक दिन का है, तो हमने परचेज ऑर्डर का बनाया 15th. ओके, ये डेट्स ध्यान रखो, 15th को बन गया परचेज ऑर्डर. 15th को परचेज ऑर्डर बनने के बाद ओके दो दिन वापस लगे डिलीवरी को. ओके, डिलीवरी वापस कॉन्स्टेंट, टू डेज डिलीवरी कॉन्स्टेंट. समझ में आ रहा है? डिलीवरी किसने किया? सप्लायर ने. किसके पास? हमारे पास. डिलीवरी आई, डिलीवरी किसके पास आती है? यूजुअली हमारे पास आई, मतलब किसके पास आई? प्रोडक्शन के पास डायरेक्टली नहीं जाती बेटा. किसके पास आती है? वेयर हाउस, वेयर हाउस के पास आती है. मालूम है ना, वेयर हाउस का 17 तारीख को वेयर हाउस में आया, 18 तारीख को वेयर हाउस ने किसके पास भेजा? प्रोडक्शन. ओके, प्रोडक्शन के पास गया. ओके, यानी प्रोडक्शन के पास जब ये गया तो एक दिन लग गया, और प्रोडक्शन 19 को प्रोड्यूस करता है. प्रोड्यूस, ओके, 19 को प्रोडक्शन प्रोड्यूस प्रोडक्शन चालू करता है. ओके, दो दिन इसको प्रोडक्शन के लिए लगता है, दो दिन लगता है. मैं वापस बोलो, कॉस्टिंग का लेक्चर जैसा चल रहा है. ओके, दो दिन लगता है प्रोडक्शन के लिए. ओके, दो दिन लगा, यानी मेरे को बताओ उसने कब तैयार किया? 21 को तैयार किया. अब 21 को जब जाना था, लॉजिस्टिक वाला बोला मैं बिजी हूं, क्योंकि इसको मालूम देता 21 को रेडी होगा, तो लॉजिस्टिक वाला बोला मैं बिजी हूं, तो एक दिन इसमें प्लस वन ऐड हो गया. लॉजिस्टिक वाला बोला मैं बिजी हूं, ओके, एक दिन ऐड हो गया. समझ में आया? एक दिन क्यों ऐड हुआ? क्योंकि प्रोडक्शन, मेरे को बता, फिनिश गुड्स रेडी थे या नहीं थे? रेडी थे कि नहीं थे? रेडी थे, लेकिन क्यों नहीं जा पाया? लॉजिस्टिक वाला रेडी नहीं था. समझ में आया? फिर एक दिन के बाद लॉजिस्टिक ने कस्टमर को डिलीवरी की. ओके, वापस इसके दो दिन लगे, इसके दो दिन लगे, ये दो दिन लगे. क्या हो रहा है यार, ये दो दिन लगे, जो भी पॉइंट है. ओके, स्ट्रक्चर वाइज समझो, और 23 तक ये डिलीवरी हुई, 23 जनवरी तक एक अप्रोक्सीमेट डेट मैंने समझाया. स्क्रीन पे सबकी आत्मा इधर. अब समझो फिर, अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम होते, स्क्रीन पे सबका ध्यान, इंटीग्रेटेड सिस्टम होते, क्या यार पीवड़े, आ जा तू बना चल. ओके, अब इमेजिन करो इंटीग्रेटेड सिस्टम होते बहुत अच्छे से. ओके, आंसर कवर करने वाले अपन, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन, इंटीग्रेटेड सिस्टम होते. अब मेरे को बताओ, जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आ रहा, किधर अपडेट होता? परचेज, मेरा क्वेश्चन है किधर? एक ही डेटाबेस या अलग अलग डेटाबेस? तो एक डेटाबेस में आ गया. वो डेटाबेस में आते ही हमारे प्रोसेस क्या होंगे मेरे को बताओ? जैसे ही ऑर्डर आया, इमीडिएटली किसको अपडेट होना चाहिए? परचेज, यानी सिस्टम ही अपडेट करेगा. यानी ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंच रही है? आफ्टर द इवेंट और रियल टाइम. यानी मेरे को बताओ, अगर 10 तारीख को ऑर्डर आया, ओके, परचेज को कब मालूम पड़ेगा? 10 तारीख. यानी एग्जांपल, 10 तारीख को दोपहर को 2 बजे ऑर्डर आया, 2:15 बजे तक परचेज वाले को मालूम पड़ गया कि ऑर्डर आया है. समझ में आया? 2 बजे 2:15 बजे जैसे ही उसको मालूम पड़ा, वो अगले दिन के लिए वेट नहीं करेगा, उसी दिन. ओके, समझ में फिर, मेरा सिस्टम क्या देखेगा? अपने कोई वेयर हाउस में वो इन्वेंटरी पड़ी है क्या? याद आया, वो इन्वेंटरी नहीं पड़ी है. ओके, तो फिर क्या करेगा सप्लायर? यानी मेरे को बताओ, सप्लायर को ऑर्डर कब चला जाएगा? 10 को, यानी कोटेशन के लिए. अगर आपको समझा हो तो ये पॉइंट में, ओके, मेरे को बताओ कितने दिन मेरे बच गए? 2 दिन मेरे इधर बच गए. समझ में आ रहा है? अरे हाय आना, ये पाना मालिक ये. तो मेरे को बताओ, कस्टमर का ऑर्डर आते ही प्रोसेसिंग कितने दिन में चालू हो गया? उसी दिन. ओके, रियल टाइम पे. इसलिए इधर रियल टाइम प्रोसेसिंग है या आफ्टर इवेंट प्रोसेसिंग है? रियल टाइम. अब मेरे को बताओ, जैसे ही कोटेशन आया, कोटेशन अपने को 10 तारीख को आया, 10 तारीख को अपने भेजा, ओके, 11 को कोटेशन आ गया, 11 को कोटेशन आ गया, 1 डे में कोटेशन आ गया. मेरे को बताओ, परचेज ऑर्डर, अब 11 को जैसे ही कोटेशन आया, झेपने की कोशिश करो, 11 को जैसे ही कोटेशन आया, ओके, आपको क्या लग रहा है अपना सिस्टम इवैल्यूएट करके डायरेक्टली बता देगा मेरे को? आंसर इज यस. क्योंकि पहले वाले में क्या था, हम लोग मैन्युअली प्रोसेस कर रहे थे, व्हाटएवर इट में भी हमको चेक करना था. अभी अपना सॉफ्टवेयर ही बता देगा कोटेशन ये बेटर है. अपने प्रोसेस वैसे बनाएंगे, आप बोलोगे सर ऐसे कैसे करेगा? अरे अपन ऐसे ही तो बनाएंगे, वही तो लॉजिक करना है. ओके, तो क्या करेंगे? हम लोग का कोटेशन सिस्टम डिफाइन करेगा. तो मेरे को बताओ, कोटेशन जैसे ही आया, कौन से दिन पे बनेगा? 11 को. यानी यहां पर अगर आप देखोगे तो वापस मेरा कैलकुलेशन वाइज अगर आप देखोगे तो वापस मेरा 2 दिन बच गया. अब मेरे को बताओ, डिलीवरी के लिए कितना टाइम लेगा? ये फिक्स है. कितना टाइम लेगा? 2 दिन. ये फिक्स है. उसके बाद डिलीवरी जैसे ही होगा, ये कब जाएगा? किधर जाएगा? प्रोडक्शन में. कितना दिन? 2 दिन. ये फिक्स रहेगा. अब इसमें एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं, और एक एग्जांपल जो मैं इसमें लिख रहा नहीं हो, लेकिन मेरे ख्याल से वो आप समझ सकते हो. ओके, मेरे को बताओ, प्रोडक्शन वाले के पास, नॉन इंटीग्रेट में प्रोडक्शन वाले के पास कब पहुंचा? 19th को. कब पहुंचा? तो मेरे को बताओ, प्रोडक्शन वाले ने कब काम कब चालू किया? 19 या 20, आइदर ऑफ इट ना. एज्यूम करो 20 तारीख को मशीनरी मेंटेनेंस में था. कुछ समझ में आया मेरा पॉइंट? ओके, अब मेरे को बताओ क्या होगा?
वो एक दिन किधर रहेगा? इन्वेंट्री, वेयर हाउस। कौन सा कॉस्ट बढ़ेगा? तो ये कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर मेरे जो डिलीवरी पार्टनर है, सप्लायर है, उसको क्या बोलूंगा, ओके कब डिलीवर कर अगले दिन। ये कब हो सकता है? जब वो इंटीग्रेटेड होगा। कुछ समझ में आया? तो परचेज वाला क्या बोलेगा, मेरे को तू 19 तारीख को डिलीवरी मत कर, तू ये सॉरी इधर क्या है, 11 तारीख को डिलीवरी मत कर। अगर उसको मालूम है 12 को मेंटेनेंस है, मेरे को पता 12 नहीं सॉरी कितना, 2 दिन लग रहा है ना, 13, 13 को आएगा, 13 को मत डिलीवरी कर, 13-14 मेंटेनेंस में जा रहा है, डायरेक्टली डिलीवरी कब कर, 15। तो मेरा कौन सा कॉस्ट बच रहा है? जीप रहा है मालिक, पर वो एग्जाम्पल मैंने लिया नहीं क्योंकि वो एग्जाम्पल मेरे को रखना नहीं, वो एग्जाम्पल मेरा डिस्कशन था। ओके ये हो गया मेरे ख्याल से कलर क्लियर मालिक, समझ में आया? ओके अगर ये समझ में आ गया तो मेरे को बताओ, अब प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन को कितने, मेरे को बताओ प्रोडक्शन से कितने डिलीवरी, 11 तारीख को परचेज ऑर्डर बना, डिलीवरी कौन से तारीख को आई, 13। ओके 13 मेरे को बताओ कितना दिन लगेगा प्रोडक्शन को, 2 दिन, 15। अब मेरे को बताओ लॉजिस्टिक को किस दिन उठाना था, लॉजिस्टिक को किस दिन उठाना चाहिए, नहीं, मेरे को बताओ फिनिश गुड्स कब बन गए, डेट्स को 15 को। अब मेरे को बताओ लॉजिस्टिक कब भेजेंगे, 16, एज्यूम करते 16 को, लेकिन लॉजिस्टिक को मालूम पड़ना चाहिए कि 16 को रेडी होने वाला है। ये कब मालूम पड़ेगा, समझ में आ रहा है? कब? जिस दिन डिलीवरी, किसकी डिलीवरी, रॉ मटेरियल। जब हमारा प्रोडक्शन में गया, हमारा सिस्टम ऐसा इंटीग्रेट हुआ कि प्रोडक्शन वाले से जैसे ही प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल आया, प्रोडक्शन ने चालू किया, मेरा सिस्टम प्रोडक्शन से डेटा किसके पास भेजेगा, लॉजिस्टिक के, 2 दिन के बाद ये डिलीवरी करनी है। कुछ समझ में आया? यानी 2 दिन के बाद लॉजिस्टिक रेडी होगा। मेरे को बताओ पहले वाले में क्या था, जिस दिन बना उस दिन हमने किसको अपडेट किया, लॉजिस्टिक। उस दिन लॉजिस्टिक क्या बोला, बिजी है, ओके अगले दिन, समझ में आ रहा है? अब मेरे को बताओ मेरे पास, मैंने लॉजिस्टिक को अपडेट कब करना है, बनने के बाद या ड्यूरिंग द पूरे सिस्टम, पूरे सिस्टम के टाइम पे होएगा, और अल्टीमेटली जब मैन्युफैक्चरिंग में आएगा फाइनल डेट चली जाएगी, मेरे कुरियर पार्टनर को फाइनल डेट क्या चली